कुछ कमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं पहले ही। यहाँ पर क्यों दिखा रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। यहाँ तो हो गया, दूसरी पे जाएंगे हम, इसकी आवाज को कर देंगे बंद। ओके शुरू करते हैं, बस दो थोड़ा सा टाइम दो मुझे अब, ओनली 30 सेकेंड। ओके तो चलिए, तो कैसे हैं आप सब पहले तो ये बता दीजिए यार, काफ़ी टाइम बाद में आए हैं लाइव। संदेश जी ने स्पीकर भेजे हैं मेरे को 3, थैंक यू सर। PlayStation 5 डूड नमस्कार, गुरु जी नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बड़े दिनों बाद आज लाइव आए हो आप। हाँ यार थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं कई बार, तो बीच में पॉसिबल हो नहीं पाता आना। विश्वजीत जी, अमित भाई कैसे हैं आप? विश्वजीत जी बहुत अच्छा हूँ मैं, बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? प्रवीर कुमार जी, हाय गुरु जी, हेलो सर, कैसे हैं, क्या हाल है आपके? आशीष जी, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, व्हाट अबाउट यू? देव जी भाई, व्हाट अबाउट गिव अवे? गिव अवे का, यस यस, थोड़ा सा अभी आप रुको, अभी पहले थोड़े से और लोगों को ऐड होने देते हैं, उसके बाद में मैं फिर गिव अवे की बात करता हूँ, नहीं तो वो बार बार मुझे रिपीट करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, अभी थोड़ा सा ट्रैफिक आ लेने दो, तो उसके बाद में मैं आपको सारा जो भी है उसका लोचा वो दिखा बताता हूँ मैं आपको। एंड आशीष जी हो गया, ये भी हो गया था। प्रदीप जी, डॉल्बी एटमॉस के लिए सबसे सस्ता पैकेज कौन सा है? भैया सबसे सस्ता देखो आप ये ले सकते हो, उसमें डेनिन का 1600 एच जोन्स है, उसको इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पर। और उसके साथ में अगर स्पीकर्स में आपको सस्ते में चाहिए तो मिशन के क्यूब प्लस आता है जो, उसको आप डाल सकते हो उसके अंदर, और मिशन के ही दो एटमॉस स्पीकर्स भी आप लगा सकते हो। तो ऑलमोस्ट जोन सी अंदाजा जोन सा है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रही है मैं आपको, तकरीबन कुछ 1,20,000 के आसपास में मेरे हिसाब से पड़ना चाहिए, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो एक फिक्स प्राइस मतलब नेट प्राइस के लिए आप इंस्टाग्राम पर एक मैसेज छोड़ देना, वहां पर मेरी टीम आपसे संपर्क करके आपको बता देगी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है और जो भी आपका बजट होगा उसके बारे में, वहां से आपको डिटेल मिल जाएगी। तो आगे चलते हैं। आयुष गेमिंग जी, हेलो हाउ आर यू? आयुष जी मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? आशीष जी, आई वॉन्ट टू नो द चीपेस्ट एंड बेस्ट डॉल्बी एटमॉस रिसीवर इन इंडिया। आशीष जी सबसे सस्ता या कह लो या सबसे जो स्टार्टिंग जोन सी है वो हमारी डेनन के X1600 से हो रही है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको पड़ती है 65,000 के आसपास, और इससे नीचे में कुछ मॉडल शायद और किसी कंपनी के हो सकते हैं, बट वो मैं नहीं मतलब एक तो यामा में आती हैं, बाकी अभी अवेलेबल है नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है अभी AVRs की, तो उस कंडीशन में बड़े मुश्किल है मिलना। डेनन और वारांट तो फिर भी चलो मिल रहे हैं मगर प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, बट बाकी के जो उनसे वो तो अभी मिल ही नहीं रहे हैं वहाँ पर, तो बड़ी प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम माल को लेके। ओके आशीष जी, व्हाट अबाउट डेनन एस? सर एक्चुअली एस सीरीज जो सी है वो इंडिया के लिए नहीं बनाई गई है, वो बाहर के जो छोटी कंट्रीज हैं हमारी जो थोड़ी सस्ती कंट्रीज होती हैं, जैसा तो जैसा एग्जांपल के तौर पे आप न्यूजीलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, इस टाइप से जो से है वहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है। इसकी जो सी क्वालिटी है उसमें भी फर्क है, अगर आप इसको एक्स सीरीज से कंपेयर करते हैं तो वॉइस क्वालिटी में तो फर्क आएगा ही आएगा, बट सबसे बड़ा जो उनका पंगा है वो ये है कि उसके अंदर जो कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं वो उतनी ज्यादा अच्छी कैटेगरी के नहीं है जितने की एक्स सीरीज के अंदर किए गए हैं। नीलू जी, गुरु जी नमस्कार, नमस्कार नीलू जी, कैसे हैं आप? देव जी, भाई AVR के प्राइस कब कम होंगे? देव जी अभी कोई चांसेस नहीं है, कम से कम 1 साल या 2 साल के आसपास तो लगा के चलो प्राइजेस जो उनसे वो बढ़ गई हैं, कम नहीं होंगे। अभी पीछे अगर आपको पता हो थोड़ा, अगर हम 1 साल पीछे चले जाते हैं तो उस टाइम जो डेनन का 1600 था या 2700 था जो सा, वो MRP के ऊपर सेल हो रहा था, और हालांकि बीच में एक टाइम ऐसा आ गया था कि MRP के ऊपर भी वो लोग उसको बेच रहे थे,
तो अभी जो सा प्राइस है ये अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, अभी प्राइस जो से ये धीरे धीरे करके ना आपके बढ़ते जाएंगे और फिर आपको वही चीज आ जाएगी कि एमआरपी के ऊपर चीज को परचेज करना पड़ेगा आपको। तो प्राइसेस जो से वो कम नहीं होंगे, ज्यादा होंगे अभी और ज्यादा बढ़ेंगे। कैमरा इस साइड है, उस साइड नहीं है, चुप चुप आ रहे हो वहां से, इधर किया हुआ है कैमरा हमने, डंगर ही है क्या तेरे को? किसने बुलाया? तेरे को बुलाया किसी ने? हैं क्यों बुलाया तेरे को? किसने कहा आने के लिए मैम? हाँ अच्छा 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 ठीक है बस बस बस, गुड बॉय है, गुड बॉय गुड बॉय, बस बस बस, चल जाओ बाहर जाओ खेलो, जाओ खेलो बाहर, जाओ जा बोलो बुला रही, जा जल्दी जा खेल ले जाके, मेरे को काम करने दे, देव जल्दी में मारा ना थप्पड़ मुझे, जा चल जाओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेबी बेबी है, चलो जी निकल जा पाते हैं, इसकी नो एंट्री है। हाँ जी तो आगे चलते हैं। आशीष जी ओके थैंक यू, यू वेलकम सर। नीलू जी भैया बढ़िया, गुरु जी ओके थैंक यू नीलू जी। अभी हमारे पास में कितने बंदे हैं यहाँ पर? अभी 16 है वॉचिंग लिस्ट के अंदर में चल रहे हैं, कोई 16 चल रहे हैं उसमें, तो थोड़े से और बढ़ जाते हैं तो उसके बाद में जो गिव अवे वाली बातें करनी थी हमने वो करेंगे। आशीष जी आर यू फ्रॉम दिल्ली? इफ यस विच लोकेशन? आशीष जी विष्णु गार्डन है दिल्ली में, तिलक नगर के पास में, बस विष्णु गार्डन के अंदर ही मेरा ऑफिस है। आगे चलते हैं तो देव जी, अमित भाई आई गॉट लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम यू, थैंक यू देव जी। काम ही यही है यार, आपको जो भी सही चीजें जो सी हैं उन्हीं का बताना, यही मेरा कर्म है और यही मेरा धर्म है, बस उसी को फॉलो कर रहा हूँ। जब तक कर सकूंगा तब तक तो करता ही रहूंगा, क्योंकि चैनल बहुत ज्यादा आपको पता है ग्रो नहीं होगा, अभी तो पैसे उल्टा लग ही रहे हैं मेरे, इसमें कुछ कमाई तो होती नहीं है, बट ये है कि फिर भी मजा आता है मगर आपसे बातें करने का, या जो भी होता है, जो भी आपके अच्छे अच्छे जब कमेंट्स आते हैं ना, तो वो असली कमाई, अगर मैं यूट्यूब से कमाई अपनी अर्निंग की बात करता हूँ ना, तो जो अर्निंग है वो पैसे के रूप में तो नहीं आती मेरे पास में ज्यादा, क्योंकि चैनल आपको पता है व्यूज वगैरह कोई खास नहीं आते हैं, बट जो मेरी अर्निंग है ना वो है आप लोगों के कमेंट्स, जो कि किसी को कुछ सजेस्ट करता हूँ या मैं किसी को कुछ चीज देता हूँ, जब वो ये बंदा कहता है कि हाँ जो चीज आपने मुझे दी थी वो बहुत ज्यादा सही चल रही है और आपने बिल्कुल सजेशन जो था आपका बिल्कुल सही दिया था, तो ये जो है ना ये मेरी अर्निंग है YouTube की तरफ से। ओके तो आगे चलेंगे। राहुल जी सोनी ST 45.1 से अच्छा AVR है क्या? से अच्छा AVR राहुल जी, ये आपने जो मॉडल बताया है वो HDS है ना, होम थिएटर 40R 5.1 से अच्छा AVR है सर, ये मतलब क्या चीज पूछना चाह रहे हो आप? मैं क्लियर नहीं हो रहा इस चीज से आपके, कि क्या पूछ रहे हो आप राहुल जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आशीष जी ओके आई एम इन द्वारका, विल मीट यू वन डे फॉर श्योर। बिल्कुल आशीष जी बिल्कुल मिलिए सर, सिर्फ एक कोशिश ये करिएगा जब भी प्रोग्राम आप बनाए आने का तो एक बार पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि बंदा डायरेक्टली वहां पहुंच जाता है ऑफिस में, बट मैं वहां पर होता ही नहीं हूँ, तो चक्कर जो उनसे है वो सबका खराब जाता है ऐसे, तो इसलिए एक अपॉइंटमेंट आप जरूर ले लीजिएगा आने से पहले। ओके देव जी भाई मेरे पास 1600H है, मुझे पॉल का बुकशेल्फ स्पीकर सेटअप सजेस्ट करो। सर जी बुकशेल्फ के अंदर में देखो, अभी पॉल ने अपनी सीरीज जो सी है वो चेंज कर दी है, तो जो S सीरीज इसकी आ रही थी सिग्नेचर सीरीज थी जो सी, वो जो भी स्टॉक था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, अभी जो सा है वो SE आ रहा है, लाइट सीरीज जो सी उन्होंने कन्वर्ट कर दी है, तो वो आ रही है, और मॉडल जो सी है उसके अंदर वो सभी मॉडल्स इंक्लूडेड है जो से हमारे सिग्नेचर के थे, फॉर एग्जाम्पल S15, S10, S20 ये सभी जो हमसे हैं, या सेंटर में हम जाते हैं तो सेंटर में 35 है एंड 30 है, वो सभी कुछ सेम है। तो बुकशेल्फ का आप सेटअप लगाना चाहते हो तो उसके लिए आप पोल कॉडियो का ही लिखा है आई थिंक आपने ना, हाँ पोल का बुकशेल्फ, हाँ तो इसमें आपका सर बजट के हिसाब से आप S10, S15 या S20 जो हमसे वो परचेज कर सकते हो, बाकी परचेजिंग के लिए और प्राइजिस के लिए बेस्ट प्राइस जो भी होगा उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा और अपनी रिक्वायरमेंट डाल दीजिएगा, वहां पर मेरी टीम आपको जो बेस्ट प्राइस हो सकता होगा वो डाल देगी वहाँ।
हेली जी, हाय गुरु जी, नमस्कार नमस्कार हेली जी, आशीष जी, हाउ गुड आर मीका एंड दिस एंड टू सेंट्रल बुकशेल्फ स्पीकर फॉर 5.1 सिस्टम। सर डिपेंड करता है आशीष जी कि आपका टेस्ट कैसा है, आप क्या चीज़ चाहते हो, वो सभी चीज़ों को डिपेंड करता है। तो बट जब मैंने इसका डेमो लिया था मीका के स्पीकर्स का, तो प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा कि ठीक था, बट अगर एक एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो वहाँ पर मुझे कोई खास नहीं लगा वो। अब मेरे पास इनका मेल भी आया था कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को सेल कीजिए और प्रमोट कीजिए, बट मैंने वो रिफ्यूज़ कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं बेच सकता आपका ये सामान। किरण जी, डेनन ने 8509 वर्सेस मरांड 8010 विच इज़ बेटर? सर जी मरांड इज़ बेटर। ये भी देखो डिपेंड इसमें भी करता है, जो मरांड है ना ये म्यूजिकली बहुत अच्छा है, मतलब इसमें जो से क्वालिटी ऑफ साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा की अच्छी है। डेनन में अच्छी नहीं है ऐसा नहीं है, डेनन में नहीं अच्छी, बट अगर कंपैरिजन करते हैं तो जो मारांच है उसमें थोड़ा सा आपको क्लैरिटी जो है वो ज़्यादा मिलती है। बट अगर आपको वाटेज चाहिए तो वाटेज आपको हमेशा डेनन में थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, कि अगर पावरफुल सेट देखा जाए तो डेनन आ जाता है, बट अगर म्यूजिकली देखा जाए कि म्यूजिकल क्वालिटी वो हमारी मारांच के अंदर में मिलेगी अगर आपको। अगला है जी अमन कुमार, गिव अवे कब होगा, गिव अवे कब होगा? गिव अवे के बारे में सर अभी बता रहा हूँ आपको, बस थोड़े सा रुक जाओ आप, जो भी है सिचुएशन कुछ ख़राब है उसकी गिव अवे वाली, तो थोड़े से अभी ऐड हो जाए बंदे, उसके बाद में फिर एक ही बात में बात करते हैं। तो पारस जी, आई एम फ्रॉम नेपाल, व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर मी इट ऑल बी एट मॉस होम थिएटर? पारस जी आपका रूम साइज क्या है और आपका बजट क्या है वो आप मुझे बताएंगे, मैं तभी कुछ ना कुछ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, उसके बिना तो मुझे कुछ नहीं पता। ओके तो आगे चलते हैं जी। परेश जी, तो जी आई एम प्लानिंग फॉर मूवी थिएटर एट माई होम, विच वन थिएटर विल बी परफेक्ट, प्लीज सजेस्ट, माई बजट इज 50 to 60 thousand फॉर मूवी थिएटर। सर 50 to 60 के अंदर आपका कुछ नहीं हो सकता सर, अगर आप प्रॉपरली थिएटर रूम बनाने की सोच रहे हो तो इसमें आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा इसके अंदर। इवन आप अगर खाली सेटअप भी लेते हो, 5.1 का भी अगर आप सेटअप ले रहे हो, तो मिनिमम जो सी कॉस्ट आ जाती है वो तकरीबन 70-80 thousand के आसपास आती है, तो आपके इस बजट के हिसाब से तो 5.1 भी नहीं इसमें इंक्लूड हो रहा, और प्रॉपर थिएटर तो नहीं हो पाएगा, आप खुद समझ सकते हो इस चीज़ को। देव जी, बिफोर यू चश्मे वाले भैया के जान, बिफोर यू चश्मे वाले भैया जान बच गया मैं। देव जी थोड़ा सा यार समझ नहीं लगी मुझे आपने क्या कहा, ये तो समझ गया मैं चश्मे वाले भैया का, बट जाने थोड़ा सा मेरे को नहीं आया समझ, बट आ भी गया, चलो आप जो भी कहना चाह रहे हो। हेली जी, आई एम फ्रॉम उड़ीसा, ओके, जय जगन्नाथ, और नमस्कार गुरु जी, नमस्कार नमस्कार सर, मेरे को एक होम थिएटर चाहिए, कौन सा अच्छा रहेगा, मिड रेंज वाला बताएं। सर जी मिड रेंज के अंदर में देखो आप या तो सेपरेट में जाते हो अगर अलग अलग उसमें कि अच्छा सेटअप अगर आपको चाहिए, तो आपका डेनॉन का 250 BT ले सकते हो, उसके साथ में आप स्पीकर्स में इलेक्ट सिनेमा 5 तो अभी आ नहीं रहा फिलहाल, और जो है 1600 TL 1600 वो लगा सकते हो। अगर बजट आपका उससे कम जाता है तो फिर आप पैकेज के अंदर जा सकते हो, जैसे कि यामा का 1840 है उसको ले सकते हो आप, बस बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है इस बजट के अंदर। बिफोर यू चश्मे वाले भैया के झांसे में आ गया था, बच गया मैं, चलो सर बढ़िया है। सावधानी ही सुरक्षा है, वीडियो अच्छी बनाता है मतलब बंदा यार, ये तो जो उसकी खासियत है ना, एक वो मैं भी उसको ये नहीं कहूँगा, मतलब जो भी बताता है वो एक अलग चीज़ है, बट वीडियो की क्वालिटी जो है ना उसके वो काफ़ी अच्छी बनाता है यार। होता तो देखो झूठ ही होता है उसमें सब कुछ ही, और होता भी क्या है, मगर ये है कि वैसे अच्छी क्वालिटी है। मुझे अभी किसी ने कल भी थोड़े दिन पहले, कल नहीं थोड़े दिन पहले भी एक मैसेज आया था मेरे पास में इसी से रिलेटेड ही, तो उसने मेरे से ये पूछा था, कह रहा है कि वो जो चश्मे वाले भैया हैं वो पहले हर वीडियो के स्टार्टिंग में ये बोला करते थे कि आप ही लोग मेरे स्पॉन्सर्स हैं, मैं किसी कंपनी पे डिपेंड नहीं हूँ ऐसे करके, तो जब से सब्सक्राइबर्स अच्छे हो गए हैं और उसके बाद में तो ये बोलना ही बंद कर दिया उन्होंने, और ये ज़रूर कहते हैं कि अभी भी मैं पेड रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मगर थोड़ा
थोड़ा सा बंदा दिमाग लगाएगा तो खुद पता लग जाएगा कि इतने साल जो पहले आपके थे उसमें आपने एक भी प्रोडक्ट दिखाया नहीं थी, और उसके बाद में जैसे ही आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं तो आप प्रोडक्ट्स दिखाने शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि कंपनी आपको दे रही है कि हाँ भाई हमारे आज एक्चुअली मैं यार अपने घर पर नहीं हूँ, मैं अपने आया हुआ हूँ ससुराल में आया हुआ हूँ, सभी चीजें भी नहीं है, गैजेट्स वगैरह नहीं है वीडियो को लाइव करने के लिए भी, तो जुगाड़ पेल के बस बना रहा हूँ मैं इसको। विनायक जी मेरे पास यामा का RN60 AVR है बहुत अच्छा, और उसके साथ मैं बॉस रेडलाइन 2 क्यूब स्पीकर्स लगाया है, ऑल का सेंटर चैनल और क्लिप्स 450 सब बुफर लगाया, ऑडियो क्वालिटी के लिए लगाऊं? सर आपने RXN 600 है ना आपका? सर मेरे को इस मॉडल की स्पेसिफिकेशन ध्यान में नहीं है मेरे, तो एक बार मुझे स्पेसिफिकेशन देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको मैं बेटर सजेशन दे पाऊंगा। तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज दीजिएगा और अपनी जो भी क्वेश्चन है आपका वहाँ डाल दीजिएगा, वहाँ पर आपको रिप्लाई कर देंगे। अजान उमेर जी कोई ऐसा इंक्लोजर डिजाइन दो जिसमें लो और हाई अच्छे से। सर इंक्लोजर के डिजाइन जो उनसे होते हैं ना वो ऐसे हवा में नहीं बन पाते, जब मैं कुछ भी दे दूं 4 फुट का ये कर लो, 8 फुट का वो कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने एक एक्चुअल बनाना है, आप जो उनसे ड्राइवर्स वहां पर यूज कर रहे हो उसके TS पैरामीटर्स जो उनसे थिले स्मॉल पैरामीटर्स होते हैं, उसके हिसाब से जो है वो सॉफ्टवेयर में डलता है, उसके बाद में सॉफ्टवेयर से हमें पता लगता है कि इंक्लोजर जो कैसे बनाना है। तो इस तरीके से हम बातों बातों में नहीं बता सकते उस चीज को। आशीष जी हाउ गुड इज द डिफाई T50 बुकशेल्फ फॉर होम थिएटर? सर ये आपका आशीष जी जो ये बुकशेल्फ आप बता रहे हो ये स्टीरियो के अंदर आते हैं, होम थिएटर के यूज नहीं होता इनके अंदर, ये बेसिकली स्टीरियो साउंड के लिए होते हैं। विक्रम जी सर अच्छा लग रहे हो, नाइस हेयर स्टाइल। थैंक यू विक्रम जी, थोड़ा शराफत वाला स्टाइल कर लिया ना मैंने कि शरीफ बंदे जैसे लगते हैं ना वैसा। राघवेंद्र जी बेस्ट स्पीकर फॉर होम थिएटर, मैं माय यूजेज इज 60% म्यूजिक एंड 40% मूवीज, माय रूम साइज इज बिग 60-20 एंड माय बजट इज 5-6 लाख। तो सर जी इसमें आप डेनन का AVR या मरांच का AVR लगा सकते हो आप, और अपने रूम से इस बताया है। हाँ तो इसमें सर आप 9 चैनल का सेटअप लगा सकते हो, उसको आप कॉन्फ़िगर कैसे करोगे वो आपका कमरा देख के तो पता लगेगा मुझे कि वहाँ पर आप 5.1.4 करोगे या फिर 7.1.2 करोगे, तो वो अलग चीज़ है। आपका जो बजट है वो ठीक है, अच्छा बजट है आपका, तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजिएगा, वहाँ से आपको कोटेशन मिल जाएंगी आपके बजट के हिसाब से कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं आपके बजट के अंदर जो उनसे आ रही हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको बेटर रहेगा एक प्रॉपर। अगर मैं वो भेज दूंगा आपको कोटेशन भेज दूंगा। विश्वजीत जी भाई आप सब लाइव हैं तो लाइक भी कर दीजिए, लाइक कम है लाइव ज़्यादा। थैंक यू विश्वजीत जी याद दिलाने के लिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। सही पकड़े हैं, मेरी तो मानते नहीं है, शायद तेरी मान ले है ना। बच्चे की मानेंगे, बड़ों के नहीं मानते हैं लोग, कह रहे हैं बच्चों की मान लेंगे बड़ों की नहीं मानते। अब आपके ऊपर है कि मानोगे कि नहीं मानोगे। शेयर करो वीडियो को, करो शेयर करो जल्दी से, शेयर करो जल्दी से, शेयर लाइक सब्सक्राइब करो और दूसरों से भी करवाओ, दूसरों से क्या होता है पारस जी व्हाट विल बी द सफिशिएंट बजट? सर बजट तो सफिशिएंट का क्या होता है, वो तो जितना मर्जी आप जितनी चीनी डालोगे चाय में उतनी ज़्यादा मीठी आपको मिलेगी, तो
बजट तो जितना अच्छा होगा आपका उतना बेटर है। बाकी हाँ, स्टार्टिंग जो सी है, अगर डॉल्बी एटमॉस का सेटअप आप लगाना चाह रहे हो, जो जो स्टार्टिंग प्राइस है वो तकरीबन 130 के आसपास पड़ता है। तो जी आगे चलते हैं, दे जी हमें भाई पावर एम्पलीफायर और इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर कैसे यूज करें एवीआर के साथ, थोड़ा डिटेल में बताओ। सर पहले तो देव जी एवीआर कौन सा है इस पे डिपेंड करता है, और साथ में आपका जो सा एवीआर है उसमें प्री आउट दी गई है या नहीं दी गई है उस पे डिपेंड करता है। और अगर आपके पास एवीआर है तो वो प्री एम्प बन सकता है, आपको अलग से प्री एम्प नहीं लगेगा, वहां पर सिर्फ आपको पावर कनेक्ट करना पड़ेगा। बट सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि आपके जो एवीआर है उसमें प्री आउट दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। अभिषेक जी सर JBL स्टेज सीरीज कैसी है? सर स्टेज सीरीज जो सी है वो जिन लोगों को थोड़ा सा लाउड म्यूजिक अच्छा लगता है, लाउड आवाज जो सी वो अच्छी लगती है, और एक बेस जो सा है वो मड़ी बेस जैसे आता है काफी ज्यादा जो होता है वो अच्छा लगता है, तो ये ठीक है। बट अगर आपको एक बैलेंस क्वालिटी साउंड चाहिए तो वो इसमें आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिपिन जी सर मैं सब लेना है कौन सा आपसे सर 30,000 के बजट के अंदर में आप थोड़ा सा बजट अगर बढ़ाते हो आप तो यहाँ पर आपको पोल पॉडियो का मिल जाएगा, ST S10 ले सकते हो। और अगर बजट इतना ही रखना है आपने तो 25,000 में आपको इलेक का 1020 मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा सबवूफर है, और उस प्राइस रेट के अंदर में उसके ज़्यादा सबवूफर है नहीं कोई ऐसे। विक्रम चौधरी जी नमस्कार। नमस्कार सर विनायक जी, ओके जी थैंक यू एंड यू आर वेलकम विनायक जी। आशीष जी नॉट बुकशेल्फ आई वाज थिंकिंग अबाउट एडिफायर इधर सबवूफर। सर एक्चुअली मैं इसमें डील नहीं करता आशीष जी सबवूफर वगैरह में, सॉरी सबवूफर नहीं ये इस कंपनी में जैसे वगैरह में, तो इसमें मुझे मॉडल नंबर का नहीं पता, बट मुझे ये बुकशेल्फ ही लगे थे तो मैंने बुकशेल्फ बोल दिया आपको। बाकी अभी T5 सबवूफर को अगर आप यूज करते हो होम थिएटर में तो भाई इसके लिए मुझे स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए पहले, तभी इसका आंसर कर पाऊंगा, मैं ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा कुछ आपको। ऋषि मंडल जी 80K में 5.1 अच्छा वाला फुल सिस्टम मिलेगा क्या विद AVR सेकंड हैंड भी? सर 80,000 के अंदर में अगर आप लेते हो 5.1 तो आप को 250 BT मिल जाएगा, और इसके साथ में 5.1 चैनल के स्पीकर पैकेज मिल जाएगा, तो 80,000 में तकरीबन आपका हो जाना चाहिए अगर हम थोड़ा बहुत प्लस माइनस में चलते हैं तो। विश्वजीत जी ससुराल से सेवा ले रहे हो भाई जी? हाँ सर चल रहा है, अभी तो यहीं बैठे हैं एक्चुअली, वो मदर इन लॉ जो थे मेरे वो एक्सपायर हो गए थे, तो आज कल उनका सतारवीं थी, क्या होता है वो तारवी ही मेरे ख्याल से कहते हैं वो थी, तो इसलिए मैं आज यहाँ आ गया था कि सुबह सुबह फिर आया नहीं जाएगा। अभी यार फोन था मुझसे दूर पड़ा हुआ है तो मेरे को थोड़ा सा चीख चीख के बोलना पड़ रहा है, तो आज धीरे बोल रहा हूँ तो आती है आपको या नहीं आ रही है वो बता दो एक बार थोड़ा सा बस। फ्लोस्टिक 3050 आई फ्लो स्टैंडिंग सेंटर्ड एंड डिजाइनर सेटअप के लिए 2-3 सब ऊपर बताएं म्यूजिक एंड मूवीज के लिए जी। मेरे ख्याल से यार नेट जो है ना वो स्लो है तो बीच में शायद कुछ डिस्टरबेंस वगैरह आए आपको, मैं इसको बंद कर लूँ यार, देख यहाँ पे जो चल रही है ना ये भी तो लोड ले ही देगी। तो सबवूफर सर बजट बता दें थोड़ा सा क्या है तो उसके हिसाब से, वैसे तो आप क्यूरी एकॉस्टिक का ही ले लीजिए सबवूफर जब पूरा सिस्टम आपने लगाया ही हुआ है किसी का। हेलो जी थैंक यू गुरु जी यू आर वेलकम। मेरा क्वेश्चन पिक करने के लिए सर क्वेश्चन तो सभी के पिक हो जाए मेरी उम्मीद, मेरा कोशिश तो यही रहती है कि सभी को जवाब दे सकूं म्यूजिक पर्पज के लिए। हाँ तो म्यूजिक के लिए सर बजट बता दो थोड़ा सा पहले मुझे आप। मुकेश जी रूम साइज 250 स्क्वायर फीट है कौन सा सबवूफर लगाना सही रहेगा बजट 30,000? तो मुकेश जी 30,000 के आसपास में अगर जाओगे तो आपका इलेक का
1020 आप ले सकते हो, 25,000 रुपीज़ का पड़ता है। और अगर थोड़ा सा ऊपर बजट लेके जाते हो आप, तो आप पॉल कॉर्डियो का STS-10 ले सकते हो। मिस्टर घोष, साउंड बार विद वायरलेस सबवूफर एंड सैटेलाइट स्पीकर प्लीज सजेस्ट। सर साउंड बार में काफी सारे हैं वैरायटी, सोनी में भी आते हैं, JBL में आता है, तो JBL आप ले लीजिए अगर आपको ज्यादा उस टाइप का चाहिए है तो। विश्वजीत जी, अमित भाई, बोल्क S20 और S20E में से किसका साउंड क्वालिटी अच्छा है? सर अभी तो देखो कंपेयर नहीं किया मैंने विश्वजीत जी को, बट अगर अभी सिर्फ जो कंपनी ने हमें बताया था इसके बारे में, जो जब इन्होंने इवेंट किया था अपना, तो वहां पर हमें ये बताया गया था कि इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो कैबिनेट का डिजाइन है उसको और ज्यादा इम्प्रूव किया गया है, जिससे कि आपकी जो अनवांटेड वाइब्रेशन क्रिएट होती है स्पीकर में वो काफी हद तक कम हो गई है, एंड जो हमारा स्वीट स्पॉट एरिया होता है वो भी अभी इनके जो स्पीकर में इन्होंने चेंजेस किया है उसके कारण वो और ज्यादा बढ़ गया है। बट कंपैरिजन जो उनसे है दोनों को मैंने अभी तक नहीं किया, तो इसका मैं कोशिश करूंगा कंपैरिजन वीडियो बनाने की अगर मुझे पहले वाला स्टॉक मिल गया तो, क्योंकि अभी मैंने लास्ट टाइम जब हुआ था तो मेरी बात हुई है तो पुराने वाला स्टॉक उनके पास में कुछ भी नहीं था वहां पर। आशीष जी, लुक लाइक सेविंग अ होम थिएटर सिस्टम इज फॉर रिच पीपल ओनली, स्टार्टिंग रेंज इज 1.3। सर देखो अब होम थिएटर की तो स्टार्टिंग ही यही है, रिच पर्सन है या जो भी है, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास में जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो बहुत ज्यादा रिच होते हैं, सभी मिडिल क्लास बंदे ही होते हैं मेरी तरह ही, तो ये जो सा ये मिड रेंज के अंदर ही आता है सेटअप। जो रिच लोग हैं या बड़े लोग हैं वो हमारे जैसे बंदों की वीडियो नहीं देखते, वो सीधा शोरूम जाते हैं और जो लेना होता है ले लेते हैं। तो अभी जो कंसेप्ट हम चला रहे हैं ये जो सा ये मीडियम बंदों के लिए ही है, मतलब जिस लेवल पे जैसे कि मैं हो गया और मोस्टली स्पीकर जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं सभी एक मीडियम फैमिली ही है सभी की, उसी से बिलोंग करते हैं सारे। विश्वजीत जी, पोल के सिग्नेचर और सिग्नेचर लाइट में क्वालिटी में कितना अंतर है? प्राइस तो काफी बड़ा है। हाँ जी विश्वजीत जी, बताया मैंने आपको जैसे अभी जी वॉइस ओके वॉइस, थैंक यू प्रवीत जी बताने के लिए। मिस्टर घोष, साउंड ओके, थैंक यू सर। देव जी, साउंड ओके है भाई, ओके थैंक यू देव जी। एम बाला कृष्णा जी, टागा हारमनी डीएस मिशन 15 इंच ऊपर मरान सिक्स प्राइस। ये सर आपको मैं रात को कोटेशन भेज दूंगा, आई थिंक आपने मुझे मैसेज भी भेजा हुआ है इसके लिए, तो मैं कोटेशन एक रात को बनाकर आपको भेज दूंगा, इसकी आज दिन में टाइम नहीं मिला बिल्कुल, इस वजह से नहीं भेज पाया आपको मैं। अमित जी, 50K सब ऊपर। सर 50K के आसपास जा रहे हो तो आप इलेक्ट का आता है एक मॉडल, मुझे ध्यान में नहीं है उसका अभी क्या मॉडल था, तो वो मिल सकता है आपको 10 इंच के अंदर ही है, और वॉल कॉडियो का आप 12 इंच भी ले सकते हो, या फिर आप इसमें लेते हो हाँ वॉल कॉडियो में आप PSW जो हमारा कौन सा मॉडल है 550WI आता है जो सा, वो भी ले सकते हो, वो भी अच्छा सा बुफर है और बजट में भी है आपके। सॉरी गुरुजी लेट हो गया, डिनर कर रहा था। अरे क्या बात है सर जी, लेट वेट का क्या चक्कर होता है, कोई बात ये क्या लेट आने की फीस दी है क्या आपने मेरे को ये है त्रिवेदी जी, मतलब लेट आए हो तो उसके लिए जो फी चलान काटा है मतलब हमने आपका 29 रुपए का, थैंक यू फोन 29 रुपीज ऐसे बाय द वे। बिपिन जी, सर टागा 10V2 सब ऊपर कैसे? सर सब ऊपर टागा के मुझे तो ज्यादा बेटर नहीं लगे, स्पीकर्स तो चलो फिर भी प्राइस के हिसाब से सही है, जैसा उनका प्राइस है उसके हिसाब से अगर हम चलते हैं, बट सब ऊपर जो से उसमें मेरे को कोई खास मजा नहीं आया उसमें यार, जो फ्रेंकली अगर बताऊँ आपको, हालांकि मैं खुद भी सेल कर रहा हूँ उसको, बट जो बंदे मांगते ही हो ये कि नहीं जी हमने तो लेना ही है उनको तो दे ही देते हैं, बाकी हमारा सजेशन कोई पूछता है तो फिर उनको मना भी कर देते हैं। तो ऋषि जी, 130 में कौन सा एटमॉस सिस्टम बोल रहे थे एंड 20K एक्सपेंड कर रहे तो क्या अलग सजेस्ट करोगे? सर 20,000 रुपये अगर आप और डालोगे तो इतने में तो कोई फर्क नहीं होता, उसमें आपको अगर आप एक सीढ़ी से ऊपर की तरफ जाते हो तो उसमें काफी फर्क आ जाता है प्राइस के अंदर,
तो इतने में फर्क नहीं आता, 130 के आसपास जो था मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें आप डेनन का 1600 एंड पोल कॉडियो TL 1600 और दो स्पीकर एटमॉस के लिए लग सकते हैं, जैसा कि मॉनिटर ऑडियो है, मॉनिटर ऑडियो का प्रो 80 है वो लगा सकते हैं हम इसमें। तो ये 130 के बजट के अंदर आते हैं। अश्वनी जी नेगी, अश्वनी नेगी जी, आई एम न्यू टू दिस, ओके, हाउ मच इज द पर चैनल, व्हाट इज योर बी रिकमेंड फॉर एवीएच रूम साइज फॉर एरिया सर। थोड़ा सा देखो डिपेंड अश्वनी जी स्पीकर्स के ऊपर करता है कि आप जो स्पीकर्स लगा रहे हो वो स्पीकर्स की क्या स्पेसिफिकेशन है, बट ये है कि नॉर्मल अगर हम चलते हैं तो 75 या 100 वाट्स के नीचे नीचे के जो एम्पलीफायर्स होते हैं, एरियाज होते हैं, वो अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सही से काम नहीं करते। अश्वनी जी एवीजी रूम साइज, एवरेज रूम साइज के लिए सर वही बताया जैसा आपको। हर्ष भाई हाय हर्ष जी, पेनल्टी लगी है, सही है सर, सही है, सब पे लगा देनी है मैंने पेनल्टी, जो जो लेट आया करेगा ना सब पे पेनल्टी लगेगी। इसमें सिस्टम होना चाहिए, जो भी लेट ज्वाइन करे उसके पैसे काटो, 10 रुपये काट लो उसके, सबसे ज्यादा मेरे खुद ही कट जाएंगे क्योंकि मैं खुद ही लेट हो जाता हूँ, या कभी तो आता ही नहीं हूं मैं, मेरे ही चलान कटा करेगा फिर तो। चौहान जी नमस्कार भाई साहब, नमस्कार जी नमस्कार। एनी सजेशन फॉर बजट AVR विद एटमॉस एंड वायरलेस सराउंड? सर वायरलेस सराउंड कोई कंपनी नहीं बनाती, जो अच्छी कंपनीज हैं जितनी भी हाई एंड कंपनीज हैं उनमें आपको किसी ने भी वायरलेस स्पीकर्स नहीं मिलेंगे। वायरलेस स्पीकर्स के लिए आप वहीं जाना पड़ेगा आपको, सोनी हो गया या फिर फिलिप्स, फिलिप्स जो भी मतलब है वो उनके लिए, कोई भी हाई एंड कंपनी जो है वो वायरलेस स्पीकर्स नहीं बनाती। मतलब वायरलेस स्पीकर वैसे बनते हैं, होम थिएटर सराउंड के लिए वायरलेस स्पीकर्स नहीं बनते हैं। आप यहाँ अच्छा बजट है तो बॉस की तरफ जा सकते हो। पावर एम्प 1600, सर पावर एम्प 1600 के अंदर पावर एम्प कनेक्ट नहीं होता है, माफी चाहूंगा। क्योंकि 1600 के अंदर में प्री आउट नहीं दी गई होती है तो आप उस पर पावर कनेक्ट नहीं कर सकते। हर जी 1200 वाट 4 ohms एम्पलीफायर में 800 RMS 4 ohms सबवूफर चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा भाई। त्रिवेदी जी अमित भाई आपसे पुराने वाले हेयर स्टाइल में आ जाओ वापस। अमित भाई सबसे पुराने वाले सेल में आ जाओ वापस। सबसे पुराने वाला कौन सा भाई? आशीष जी प्लीज टेल इफ यू सेल ऑन EMI। सर आशीष जी अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो उससे आप EMI बना सकते हो अपने बैंक की तरफ से ही। आपको यहां से एक लिंक भेजा जाएगा हमारे कंपनी की तरफ से, तो आप उस पे अपने क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो उसकी, और बैंक में आप फोन कर अपने क्रेडिट कार्ड जो भी बैंक होगा, जिस भी बैंक का कार्ड है आपका, वहां से आप उसको इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। मगेश काली जी डेनन 4700 इट इज गुड सराउंडिंग AVR, बिल्कुल सर गुड है, अच्छा है AVR तो जितने भी आ रहे हैं, चाहे वो 1600 है, अपने अपने लेवल पे सारे अच्छे आ रहे हैं। एम बालाजी टागा ने मिशन ये वाला उसे वाला। आप सर मैंने बताया आपको कि कोटेशन भेज दूंगा मैं आपको अभी, ऐसे मेरे को रेट सबके याद नहीं होते। हाँ ऋषि जी मैं को 1600H सेकेंड हैंड कितने में मिल जाएगा? सर सेकेंड हैंड मिलना मुश्किल है अभी तो, कोई चांसेस नहीं है आज। फिर कोका कोला में भाई यार ये नहीं छूटेगी भाई, इसके बिना मैं नहीं जी सकता, मेरी जान है ये, अब ये मेरी जान लेके ही छूटेगी। शिशुपाल जी शिशु ही है शिशुपाल, गुरु जी नमस्कार, नमस्कार शिशु जी, विश्वजीत जी अमित भाई मैंने पोल कॉडियो को मेल किया था, उनका कहना है कि उन्होंने क्रॉसओवर अपग्रेड किया है, कैबिनेट रिस्पॉन्स में काम किया है, डिज़ाइन चेंज है और कुछ और रियल
वुड का यूज किया है, वही सर वही जैसा मैंने आपको बताया ना, वाइब्रेशन को खत्म करने के लिए डिजाइन को बदला गया है, थोड़ा सा क्रॉसओवर चेंज किया, हालांकि क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी जो सी है इन्होंने जो पहले वाले मॉडल थे उनसे अब कम कर दिया है उसको, मतलब कि और ज्यादा डाउन में कर दिया, ज्यादा डाउन कर दिया है उसको, तो यही सब कुछ फर्क है बाकी डिजाइन में, और सबसे बड़ा फर्क पैसों के अंदर आ जाता है। बिपिन जी टागा हार्मनी SW 10.2 का सबवूफर कैसा है भैया, कहाँ चले जाते हो, सो जाते हो क्या बीच में? इस कमेंट का जवाब मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ कि टागा हार्मनी के जो सबवूफर्स हैं वो ज्यादा अच्छे मुझे नहीं लगे, कमेंट करके पता नहीं कहाँ भाग जाते हो यार हम लोग। भूपेंद्र जी भाई साहब क्या एक गुड क्वालिटी हेडफोन्स एटमोस का आनंद दे सकता है? हाँ सर, आपका जो हेडफोन है अगर वो सराउंड साउंड को सपोर्ट करता है, उसमें दिया गया है ये फीचर जो है, तो आपको हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप। जैसा कि मैं जो अभी यूज कर रहा हूँ वो मैं करता हूँ, अल्लाह ये जो है मेरा ये वाला है, ये सोनी का मॉडल है एक, तो इसमें काफ़ी अच्छी फीलिंग आ जाती है अगर आप सराउंड साउंड में जाना चाहते हो, तो काफ़ी बेटर फील आता है इसके अंदर भी। विश्वजीत जी आप वर्फडेल में डील करते हैं क्या? सर वर्फडेल की सेल ही नहीं निकलती बिल्कुल भी, सच बताओ, और है भी थोड़ा कॉस्टली भी है, बट यह कि हो जाएगा अरेंज तो सब कुछ ही हो जाता है, बट रेडी स्टॉक में नहीं रखते इसको, मैं क्या मतलब मोस्टली डीलर रखते ही नहीं है क्योंकि बहुत कम सेल है इसकी, ना के बराबर है, मतलब कभी साल में एक दो बार किसी ने मांग लिया तो मांग लिया बस। देव जी पोल्क सिग्नेचर सीरीज के लिए कौन सा OFC केबल अच्छा रहेगा और कितने गेज का? देव जी कितने गेज का केबल लगेगा ये डिपेंड करता है, देखिए आपके स्पीकर की इंपीडेंस के ऊपर और आपका जो डिस्टेंस है कितनी लंबी तार जाएगी उसके ऊपर, तो इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो भी बनाई थी एक बार, तो उसमें मैंने एक लिंक दिया हुआ है एक चार्ट का, या आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहां पे भी आपको वो चार्ट मिल जाएगा कि कितने ओम्स पर कितने डिस्टेंस तक कितने गेज की वायर को लगाना चाहिए। लक्की जी सर 8 ओम्स में कौन सा 5.1 होम थिएटर बजट है 30K का? सर 30K के अंदर में तो नहीं है कोई भी बजट, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए। त्रिवेदी जी अमित भाई रूम टूर करना कब चालू करने वाले हो? ये त्रिवेदी जी जब YouTube से थोड़े से पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे ना तब शुरू करेंगे उसको, अभी तो मैं कहीं जाऊंगा तो मेरे अपना खर्चा करके मुझे जाना पड़ेगा, काफी पैसे लगेंगे कहीं जहाँ भी जाता हूँ अगर मैं, तो अभी ऐसा मैं नहीं कर सकता अभी इसको, क्योंकि अगर मैं कर रहा हूँ तो जो पहला काम है मेरा खुद का जो मेरा पर्सनल काम है वो भी सर्वाइव होगा उसके अंदर, क्योंकि टाइम लगेगा मुझे, टाइम दूसरी जगह देना पड़ेगा, और जब यूट्यूब से अर्निंग आती है थोड़ी बहुत सी ठीक ठाक सी आती है, अगर मैं किसी के पास जा रहा हूँ तो मेरा एटलीस्ट जो खर्चा हो रहा है जो वो अगर कवर हो जाता है मेरा, तो उसके बाद में ये वाला सीन जो से ये शुरू कर सकता हूँ मैं, बट अभी के लिए तो इसको रोकना ही पड़ेगा, इतनी जल्दी नहीं कर सकते इसको तो शुरू, बाकी आप समझदार हो आपको समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ओके तो बिपिन जी PSB अल्फा S10 सबवूफर कैसा है? सर ये वाला सबवूफर अच्छा है PSB का, PSB के स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं, बट सबवूफर्स जो से हैं वो कुछ मॉडल हैं अच्छे हैं कुछ मॉडल नहीं अच्छे हैं, बट स्पीकर्स तो मैंने जितने भी यूज़ किए हैं सारे ही अव्वल दर्जे के हैं इसमें, बाकी सबवूफर भी ठीक है इसका, आप ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। ऋषि जी सो कोई सेकंड हैंड एटमॉस बेस AVR बता सकते हैं? सर सेकंड हैंड के अंदर अभी कोई AVR नहीं मिलेगा सर आपको, एटमॉस में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा आपको, क्या चाहिए तेरे को बाहर जा। त्रिवेदी जी दिल्ली में जितने रूम बनाए हैं ओनली उनका बना दो फिर। हाँ ये ऐसा ऐसा कर सकते हैं त्रिवेदी जी, ये तो है पॉसिबल है मेरा, ऐसा मैं कर सकता हूँ, तो चलिए मैं बाकी टाइम का इशू भी है ना साथ में यार, अब आपको पता है देखो पता नहीं कितने वीक्स लाइव भी नहीं आ पाया मैं, और वो भी बीच में बंद कर हो जाता है, फिर वीडियोस भी बहुत लेट हो जाती हैं आपको पता है, तो टाइम जो है ना वो टाइम निकलना थोड़ा सा कभी कभार, इतना काम नहीं होता वैसे, बट काम आता है तो फिर एक ही बार में पता नहीं सारे जितने सोए हुए बंदे होते हैं वो सब जाग जाते हैं एक साथ ही आ जाते हैं सारे, तो उसमें क्या हो जाता है फिर
काम इकट्ठा इतना सारा हो जाता है कि और चीजों में फिर वो हो ही नहीं पाता। तो बाकी करते हैं कोशिश पूरी पूरी। कमल खन्ना जी गुड इवनिंग, अमित जी गुड इवनिंग सर। वो सर आपको मैंने कमल जी वो भेज दी थी, आपका जो भी आपने रिक्वायरमेंट दी थी मेरे को स्क्रीन वगैरह की वो सभी दे दिया था। और हाँ वो प्रोजेक्टर जो सा था वो मेरे पास भी आ गया है, उसमें मैंने बट उसको अभी यूज तो नहीं किया। तो वो कीस्टोन का जो आप कह रहे थे कि हॉरिजेंटल नहीं चल रहा या वर्टिकलर नहीं काम कर रहा था, तो कल मैं देखूंगा। कल नहीं परसों, परसों मैं एक बार अपने वाला पीस जो है, वो एक्चुअली तीन लिए हैं मैंने, तो तीन मंगवाए हैं, वो आ गए थे मेरे पास एक दो तो दिन पहले ही आ गए थे। तो उसमें मैं देखूंगा एक बार, और उसका रिव्यू भी करना है, तो उसमें देखते हैं क्या है उसके अंदर। बाकी स्क्रीन का और उसका मैंने आपको भेज दिया था। बॉस एकोस्टिमास 10 सीरीज 5 अच्छा है क्या, और इसके बारे इसका बेस है अच्छा है क्या? सर देखो बॉस के जो स्पीकर हैं ये सबवूफर्स है ना, वो अगर आप कंप्लीट बॉस का सिस्टम लगा रहे हो तो उसमें बहुत अच्छे चलते हैं ये। बट अगर आप उनको निकाल कर किसी और के साथ में कनेक्ट कर रहे हो ना, तो वो वाली क्वालिटी आपको नहीं मिलती उसके अंदर। तो अगर आपने बॉस लेना है तो बॉस टोटल पैकेज जो है वो बॉस का लो फिर आप, ऐसे मतलब कि स्पीकर ले लिए उसके बाद और कोई एवीआर लगा दिया, क्योंकि बॉस जो है ना वो बड़ा बड़ी हरामी कंपनी है। मतलब उनका क्या होता है कि वो कहते हैं कि भैया सब कुछ हमारा ही बिके, मतलब और कोई उसमें ऐड ना कर सके कोई भी चीज। अगर आपका स्पीकर में कोई दिक्कत आ रही है आप स्पीकर नहीं बदल सकते, सबवूफर में प्रॉब्लम है सबवूफर नहीं बदल सकते, कंसोल खराब हो गया तो कंसोल नहीं चेंज कर सकते। मतलब बड़े हैं इस टाइप का बंदे ये। लाइक का मैं तो कब से देख रहा था। हाँ यार मेरे पास और भी त्रिवेदी जी आए थे कमेंट्स वगैरह, इंस्टाग्राम पर भी आए हुए थे, इस पे फेसबुक पे पेज पे, एंड कि आप लाइक क्यों नहीं आ रहे हो, तो यही बोला था मैंने। बट आज का जो सा था मैंने प्रॉमिस किया था दो तीन बंदों को कि आज की जो सी लाइव है उसमें, मतलब नेक्स्ट सैटरडे मैंने बोला था, तो इसलिए अभी यहाँ पर माहौल नहीं था ऐसा कि लाइव आने वाला, बट फिर भी अब कमिटमेंट था तो इस वजह से मैं आ गया। कौन सी कंपनी का ओ एफ सी केबल अच्छा है? सर कंपनी की तरफ जाओगे अगर आप तो कंपनी बहुत है इसमें, आप तारा लैब है एंड प्रॉफी गोल्ड है, डीएसी है, और क्यू एकोस्टिक नहीं क्यू सी क्यू एकोस्टिक नहीं सॉरी वो क्या नाम है उसका, ऑडियो क्वेस्ट है, मॉन्स्टर है, कॉर्ड है, तो ये सभी हैं। वो काफी कॉस्टली होती हैं मगर, तो बट आपका ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा लगाओ। हमारी जो उनसी केबल्स होती है हम स्पेशली उसको बनवाते हैं, तो हम तो हर इंस्टॉलेशन में उसी को यूज करते हैं, उसमें अलग अलग गेज की वायर्स होती हैं, और टोटली ओ एफ सी कॉपर में ही बनी हुई होती है, वो ऑक्सीजन फ्री कॉपर होता है पूरा। बट ये है कि उसके ऊपर हम लिखते नहीं है ये चीज कि इसमें ओ एफ सी है। उसका रीजन ये होता है कि ओ एफ सी केबल्स की कैटेगरी जो है वो बदल जाती है, उसके ऊपर टैक्स जो है वो डबल हो जाता है सीधा ही, तो इस वजह से हम वहां पर प्रिंट नहीं करवाते उसको। बट वो होता सारा जो है प्रीमियम क्वालिटी की केबल्स होती है, और वही केबल अमेजोन के ऊपर हम खुद भी, अभी तो मैंने बंद कर दिया बेचना, तो हम खुद भी बेचते थे, तो वो तकरीबन अब 350 रुपये मीटर 400 रुपये मीटर इस रेट पे बेचा करते थे वहां पर। बट वैसे ही अगर कोई कस्टमर हमसे ले रहा होता था डायरेक्टली ले रहा है जैसा, तो वहां पर 125 रुपये आपका 12 गेज की वायर है जो वो आ जाती है, 85 रुपीज पर मीटर के अंदर आपको 14 गेज की वायर मिल जाती है। गुरुजी जेवीसी ओडीएट का प्रोजेक्टर कितने बड़ी स्क्रीन पर चला पाएगा? सर 300 to 350 तक का आप चला सकते हो उसको, बट उसके लिए फिर आपको काफी लंबा डिस्टेंस चाहिए होगा, क्योंकि उसको काफी पीछे करना पड़ेगा आपको, तो तब वो इतनी स्क्रीन देगा आपके। वो बाकी रूम साइज आपका अगर काफी है गहराई और उसकी वाइड है अगर, तो 300 इंच के आसपास तक की वो आपको डिस्प्ले दे सकते हैं, बट इतना बड़ा कमरा तो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मंजर सर जी अफोर्डेबल एवीआर एटमॉस सजेस्ट करें। सर क्या बजट है आपका? मुझे कैसे ये पता लगेगा कि आपके हिसाब से अफोर्डेबल कौन सा है, आपका क्या बजट है? यार मच्छरों ने कर दिया है दुखी हमें। ओके तो कहाँ गए थे हम? रजिश
अभिषेक जी, वाई फाई पॉइंट वन और एटमॉस का डिफरेंस बहुत होता है क्या? नहीं बहुत का तो यार अभी कंटेंट पे देखो है रजी जी कि आपका कंटेंट जो है वो प्ले कर रहे हो क्या, क्या चला रहे हो आप उस पे। एटमॉस में देखो अगर आप एक 3 घंटे की मूवी देख रहे हो अगर आप, तो उस 3 घंटे की अगर हम टोटल एवरेज लगा के चलते हैं तो उस 3 घंटे में आपके जो एटमॉस स्पीकर होते हैं वो 15 या 20 मिनट के लिए ऑन होते होंगे, मतलब चलते होंगे, ऐसा इफेक्ट जो है क्योंकि उसमें वही आवाज आ रही है जो सी ऊपर से कोई आवाज आ रही है, अगर हेलीकॉप्टर जा रहा है कुछ ऊपर से गिर रहा है तो इस टाइप की जो सी आवाज है या बिजली गड़क रही है बारिश हो रही है तो वो ऊपर से आती है। तो अब ये चीज आप पे डिपेंड करती है कि आपको क्या चाहिए, बट यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊं तो जो मेरा खुद का पर्सनल मैंने घर पे सेटअप लगा रखा था वहां पर भी मैंने एटमॉस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया हुआ था कि मैं एटमॉस को लगाऊं, हालांकि वो एरिया जो था एटमॉस का ही था बट मेरा ध्यान नहीं था। तो अभी जो सा मैं अपने घर पर सिस्टम लगा रहा हूँ तो उसमें भी मेरे को एटमॉस की जरूरत नहीं मुझे लगती, बट ये है कि जितना पैसा मैंने एटमॉस पे लगाना है ना उतने के अंदर मैं डेनॉन का ही बहुत अच्छा एवीआर लूंगा जिसकी की वॉइस क्वालिटी जो सी है वो जबरदस्त वाली आएगी। मैंने उस एवीआर को आपका 4700 के साथ में 6500 जो मॉडल आता है डेनॉन का उसके साथ में भी कंपेयर किया था, तो ये जो सी क्वालिटी मिली थी मुझे उसके अंदर में, उसका मॉडल है 4520, 9.2 चैनल है। गुरुजी आई मेट हाईएस्ट कितने इंच की स्क्रीन फ्रेम में आ जाएगी? सर फ्रेम में आ जाएगी मतलब, मतलब समझा नहीं यार मैं, ये त्रिवेदी जी क्या कह रहे हो आप? लकी जी सर 8 ओम्स में 5.1 ओमीटर कौन सा अच्छा है, ब्रांड और मॉडल नंबर बताओ। यामा का ले सकते हो 1840 और या फिर आप बजट थोड़ा है आपका अच्छा तो वहाँ पर डेनॉन का आईवीआर लो, पॉल कॉडियो के इलेक के स्पीकर्स लो आप। अश्वनी जी यामा 115 एनी सजेशन प्लीज, सजेशन प्लीज किस चीज के लिए यार? सर ये किस चीज का सजेशन मांग रहे हो भाई? 18 फीट डिस्टेंस है फर्स्ट रो से स्क्रीन तक, 18 फीट का है तो यार ये तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा एक बार, ऐसे मेरे को तो ध्यान में नहीं है कि 18 फुट में कितना डिस्प्ले साइज देता है ये, तो इसको तो कैलकुलेट करके पता लगेगा एक बारी। आप इसकी वेबसाइट पे चले जाओ वहां पर बताया गया होता है सारा, कैलकुलेटर मीटर दिया होता है वेबसाइट के अंदर ही, तो उससे आपको पता लग सकता है बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे भी देख के पता लगेगा, ऐसे तो मुझे भी नहीं पता। चले जी हेलो अमित सर, यामा बेस कम है क्या? सर रूम साइज 10-18 लेने का सोच रहा हूँ। हाँ तो सर ये मेरे हिसाब से 10-18 का कमरा अगर आपका है तो उसके लिए तो सब ऊपर आपको ये वाला छोटा ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें 6.5 इंच का ही ड्राइवर आता है तो उसमें इतना ज़्यादा आपको इफेक्ट लो का नहीं मिल पाएगा वहाँ। विश्वजीत जी बॉस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है सिर्फ नाम है, जैसे आपने कहा सोनी है ऐसे ही बॉस के बॉस ने अमेरिका में माहौल बना रखा है, मेरे पास भी है लेकिन AVR और उनकी क्वालिटी में डे नाइट का डिफरेंस है। ये तो बिल्कुल है विश्वजीत जी, मैं तो खुद कहता हूँ ये चीज़ का। अब जिनको इन सिस्टम्स के बारे में नहीं पता होता ना वो कहते हैं ये तो बेवकूफ़ है बनता सर, बॉस तो भाई साहब तो आपकी कंपनी इससे ऊपर कुछ है ही नहीं है, और जिन्हें पता है उसको तो बॉस से आप क्या, मतलब जितने का बॉस का सेटअप मिलता है ना, एक जो सिस्टम मिलता है भाई साहब उतने पैसों के अंदर में ना ऐसी चीज़ बन जाती है ना कि आप आने वाले 10 साल तक उसको अपग्रेड नहीं करोगे, मतलब इतनी ज़बरदस्त चीज़ बन सकती है। कमलेश जी सर सबवूफर को अपने हाइट से ऊपर सेट करें या नीचे, छोटा रूम है प्लीज। सर सबवूफर हमेशा देखो जमीन पर ही होना चाहिए, ऊपर आप करोगे तो वो ठीक नहीं है, एक तो इफेक्ट भी नहीं आएगा साथ में इतनी वाइब्रेशन क्रिएट होती है, वो गिर बढ़ गया वहां से तो और पंगा हो जाएगा आपका, और जो लो फ्रिक्वेंसी है वो लो में काम करती है, तो आप इसे सबवूफर को नीचे रख रहे हो अगर तो वो ज्यादा बेटर है, उसके साथ आपको काफी अच्छा लो मिलेगा, ऊपर रख दोगे तो इफेक्ट जो है वो कम भी हो जाएगा और पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा आपको। मंजर बाबा
अंडर 50K डॉल्बी एटमॉस एवीआर। सर अंडर 50K में डॉल्बी एटमॉस एवीआर नहीं है कोई, आपको मिनिमम जो सा है डेरन का 1600 आता है, वो आपको पड़ता है 65,000 रुपीज का। देव जी भाई लोकल स्पीकर एवीआर के ऊपर कैसे परफॉर्मेंस करते हैं? अब सर ये तो क्वेश्चन ही गलत बताया पूछ रहे हो आप, जब वो है ही लोकल तो कैसे क्या काम करेंगी? अब मर्सिडीज को खरीद लोगे आप, उसमें टायर जो से है वो मायापुरी जाके नकली डलवाओगे तो कैसे काम चलेगा फिर? भाई सब मर्सिडीज है तो मर्सिडीज के टायर ही चलेंगे, उसमें मारुति के 800 के तो टायर चलेंगे नहीं। डेनन या कांगे, हाँ डेनन या करंडे का एवी रिसीवर कहाँ से परचेज करें? सर डेनन या ये क्या है, दूसरा क्या है ये कारांडी, ये क्या चीज है भाई? डेनन का परचेज करना है, डेनन आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, हमसे भी ले सकते हो, आपका जैसे दिल करे, आपको जैसे अच्छा लगे आप कर सकते हो। अगर थोड़ा सा बजट में आपका एमआरपी भी या ऑनलाइन लेते हो अगर आप, तो कॉस्ट जो सी है वो काफ़ी हाई हो जाती है। अगर हमसे ले रहे हो तो हम ठीक अच्छा डिस्काउंट भी दे सकते हैं आपको। और हाँ यहाँ डिस्काउंट से एक चीज़ और याद आ गई है कि अभी हमारी वेबसाइट जो सी है उस पर भी काम करना शुरू हो चुका है, अभी मतलब प्रॉपर नहीं हुआ वो बना नहीं पूरा, बट जल्दी ही वो वेबसाइट भी जो सी है वो चालू हो जाएगी। तो उसके अंदर आप अगर डायरेक्ट सेल करना चाहते हो तो उसमें से भी आप सकते हो। उसके लिए आप एक बार मुझसे बात पहले करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पर जो प्राइसेस डलेंगे वो थोड़े से हाई होंगे, बट आप अगर पहले कंसर्न कर लेते हैं तो वहां पर हम आपको एक डिस्काउंट कूपन दे दिया करेंगे, तो वो कूपन जब आप उसमें डालोगे तो आपको उसका प्राइस जो है वो कम हो जाया करेगा। तो अभी इसके ऊपर वर्क चल रहा है। वैसे आप अगर सर्च करोगे audioguruji.in तो वेबसाइट तो शो अभी भी कर जाएगी वहां पर, बट अभी उसमें डेटा वगैरह इतना नहीं डाला है और अभी गेटवे पेमेंट गेटवे वगैरह भी नहीं डाला है, चल रहा है काम उस पर, तो जल्दी वो भी शुरू हो जाएगी। वो जब शुरू हो जाएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर ही दूंगा सबको। मरांड्स में डेनर और मरांड्स में बर्सी, हाँ तो सर डेनन और मरांड दोनों जैसा आपको बताया मैंने कि आप ऑनलाइन लेना चाहते हो ऑनलाइन सर्च करोगे तो वेबसाइट्स हैं काफ़ी हैं उसमें भी ले सकते हो, हमसे लेना चाहते हो हमसे ले सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजो एक अच्छा सा, उसमें आपको प्राइसेस जो उनसे हैं वो बता दिए जाएंगे। अमित भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? सुनील जी बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? स्टूडियो सेटअप में सब ऊपर लगाना ठीक है प्लीज़ बताएं। सुनील जी देखो ये डिपेंड करता है कि आपने जो स्पीकर्स लगाए हुए हैं वो कैसे हैं, आपने छोटे स्पीकर्स लगाए हैं बोशल लगाए हुए हैं या कोई थके हुए एवीआर सॉरी टावर्स लगाए हैं, तो उस कंडीशन में डिपेंड करता है ये। अगर आप अच्छे टावर्स लगा लेते हो आप अगर, तो आपको सब बूफर की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी क्वालिटी वाइज देखा जाए तो स्टीरियो के अंदर में जो असली इफेक्ट आता है वो हमारा स्पीकर में से आता है। सब बूफर जो सा है वो मैं सजेस्ट तो नहीं करता देखो किसी को भी, और पर्सनली खुद भी लाइक नहीं करता उसको स्टीरियो सेटअप के अंदर, क्योंकि जो टू चैनल का ही आवाज है ना जो उनकी क्वालिटी है वो टू चैनल में ही मस्त वाली आती है, पर मैं फिर थोड़ा सा ना बनावटीपन हो जाता है कि एक एडिशनली नकली की चीज हमने जोड़ दी बीच में। कमलेश जी सर सोनी D40 वर्सेस FND, सर ये इन ब्रांड्स के बारे में मेरे से प्लीज़ कुछ पूछने का फ़ायदा नहीं है आपको, क्योंकि मुझे नहीं पता इन ब्रांड्स के बारे में। सोनी का तो चलो फिर भी ठीक है, बाकी FND वगैरह के बारे में मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं पता है, क्योंकि हम सिर्फ जो है वो ऑडियो हाई एंड ऑडियो में डील करते हैं, और जो चैनल है ये वाला इसमें भी हाई एंड ऑडियो के बारे में ही सारी जानकारी आपको दी जाती है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ऋषभ जी उसकी सर्विस मिलती है क्या अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो? बिल्कुल सर बिल्कुल मिलती है, अंडर वारंटी आता है, 1 साल की वारंटी मिलती है, आप सर्विस सेंटर लेके जाइए और उसको जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी वहाँ पर सुनवाई की जाएगी। फरजान जी मारुति 800 के टायर, बिल्कुल सर बिल्कुल सत्य वचन। अब और कोई मेरे को एग्जाम्पल नहीं आया तो बस मुँह में जो आया वो बोल दिया मैंने। शिशुपाल जी टाटा स्काई HD चैनल में AVR से एटमॉस साउंड मिलता है।
सर डिपेंड करता है ना आपका जो सा आप जो भी मतलब सोर्स लगा रहे हो उसको, तो उसमें अगर एटमॉस का कंटेंट दे रखा है तो आपको वो बिल्कुल मिलेगा, अगर उसमें नहीं है एटमॉस का कंटेंट तो आपको नहीं मिलेगा। शैलेश जी अमित जी बजट है 60,000, 255,000 के लिए यामा का जी ले रहा हूँ सर, वूफर कौन सा लगाना चाहिए प्लीज कमेंट। शैलेश जी देखो जी, मैं तो आपको ये कहूंगा कि अगर आपका 60,000 तक का बजट है तो बेशक आप थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा बजट अपना और बढ़ाओ और फिर आप एक अच्छा सेटअप खरीदो। अब इसमें आप पहले इसको खरीदोगे, उसके बाद में फिर सब ऊपर लोगे तो कॉस्ट ऊपर चली जाएगी, तो इससे अच्छा यही रहेगा कि थोड़ा सा आप बजट अपना बढ़ा लीजिए, 15-20 हज़ार रुपये के आसपास का और बजट बनाइए, तो एक अच्छी चीज आपको मिल सकती है। और बाकी कुछ होगा तो आप पूछ सकते हैं मेरे से बाद में भी। कमलेश जी सर सब वूफर में वाट मैटर करता है या ड्राइवर साइज? सर जी दोनों चीजें मैटर करती हैं। देखो चाय के अंदर में दूध भी जरूरी होता है और चाय में चाय पत्ती भी डालनी जरूरी होती है, तो ये दोनों चीजें मैटर करती हैं। शिशुपाल जी नेटफ्लिक्स के अलावा एटमॉस साउंड कौन से प्लेटफॉर्म से मिलेगा? सर नेटफ्लिक्स के अलावा आपको मिल जाएगा इसमें अमेजोन जो है हमारा, इसमें अमेजोन मूवीज जो होती है क्या प्राइम जो है उसमें भी कई कंटेंट हैं उसके एटमॉस के अंदर ही। और मेरे ख्याल से जो डिज्नी वालों का है चैनल, क्या नाम है उसका, हॉटस्टार जो है उसमें भी शायद, नॉट मतलब कंफर्म नहीं हूँ, पता नहीं मिलती है नहीं मिलती, बट मेरे हिसाब से उसमें भी होनी चाहिए क्योंकि काफी हाई लेवल का चैनल है वो। देव जी प्लीज आस्क टू चश्मे वाले भैया अबाउट सोनी एमएफएनडी। नहीं ये चीज तो भैया वही बता पाएंगे यार, हमें तो नहीं पता। देखो विश्वजीत जी आप सब कुछ मिलेगा चैनल पे भी कभी अपडेट कर दिया करें। सर सब कुछ मिलेगा वाला चैनल को चेंज कर दिया ना हमने, वो ऑडियो अंकल में कन्वर्ट कर दिया ना उस चैनल को, तो उसमें से तो जो पहले मेरी 2-4 वीडियोस डली हुई थी मैंने उसको भी हटा दिया था वहां से, तो उसको अपग्रेड करके हमने ऑडियो अंकल में बना दिया, तो वो अंकल जो से हैं वो उसको अपग्रेड कर रहे हैं, वही चला रहे हैं उसको। हालांकि वीडियोस वगैरह साथ में ही बनती है, मैं ही शूट करता हूँ, मैं ही एडिट करता हूँ, मैं ही उनको देता हूँ स्क्रिप्ट भी कि क्या बोलना है जैसे, तो बट वैसे जो फेस है फेस उन्हीं का उसमें आ रहा है आएगा। कमले जी 40 वाट बट 8 इंच सब ऊपर वर्सेस 80 वाट 6 इंच। नहीं सर यहाँ पर देखो आपका इस कंडीशन में अगर आप जा रहे हो तो आपका जो सा ड्राइवर साइज है वो ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि ड्राइवर साइज जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा कवरेज मिलेगी आपको, और अगर वाटेज बड़ी है ड्राइवर छोटा है तो कवरेज तो देखो आपकी कम हो जाएगी, बट ये है कि एक पंच जो है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा मिल जाएगा आपको, तो दोनों चीजों का ही जरूरी होता है एक कॉम्बिनेशन बना हुआ। सर थैंक यू सर आपका भी। भाई साहब किसी ने लाइक नहीं किया हुआ तो लाइक कर दो प्लीज, अब तो डिसलाइक भी नहीं कर सकता कोई। डिंग जो 2-4 बंदे होते थे ना डिसलाइक वाले, उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया बेचारा, यूट्यूब ने डिसलाइक वाला ऑप्शन ही बंद कर दिया। करो डिसलाइक है मतलब डिसलाइक आप करोगे तो डिसलाइक तो हो जाएगा, बट यहाँ पे जो उसका नंबर शो होते थे ना क्वांटिटी वो आती ही नहीं है, तो कितने ठेस पहुंची होगी उन बंदों को जो मेरी वीडियो को शुरू होते डिसलाइक कर दिया करते थे। मजा आ गया, मजा उन लोगों के लिए, उनको अफसोस हो रहा होगा कि ये क्या कर दिया यूट्यूब ने। बहुत से अच्छा सोनी है एक्सपीरियंस है। नो कमेंट, इस कमेंट पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। त्रिवेदी जी डिज्नी हॉटस्टार में भी कितनी मूवीज एटमॉस एंड ब्लू? हाँ तो वो है, मेरे को अभी याद तो नहीं है उसमें होएंगी क्योंकि डिज्नी का चैनल है तो यार होना ही चाहिए। आर्या गिव अवे रिजल्ट कब आएगा? सर जी गिव अवे का देखो ऐसा था, अभी मैं बोल ही रहा हूँ काफी टाइम तो हो गया गिव अवे का, तो आपको जो पुराने लोग हो तो पता ही होगा, कोई नया है अगर तो शायद उसको ना पता हो कि जो गिव अवे का हमने कॉन्टेस्ट रखा था उसमें हमने ये बोला था कि अगर 1500 लाइक्स आते हैं 15 दिन में तो हम टोटल गिव अवे करेंगे,
अगर 1000 लाइक तक आ जाते हैं तो हम जो दो सब ऊपर हमारे थे पहले वाले उनका गिव अवे नहीं होगा, तीन सब ऊपर जो से थे PSW 10 जो से उनका गिव अवे किया जाएगा। अगर 1000 लाइक भी नहीं होते हैं, 500 लाइक आते हैं तो इन्फिनिटी के 5 स्पीकर्स जो से हैं उनका गिव अवे हमने करना था। बट यहाँ पर अभी पंगा ये है कि 500 लाइक भी नहीं आए हैं अभी उसमें, मुझे अभी तो ध्यान नहीं किया, 200 समथिंग ऐसे कुछ शायद कल देखा था मैंने तो आ रहा था उसमें, तो वो टारगेट जो था वो पूरा ही नहीं हुआ। उसका रीजन जो है वो ये हो गया कि जैसे किसी ने भी वो मेरा वीडियो खोला तो स्टार्टिंग में मैंने उसमें बताया कि हाँ ऐसे ऐसे चल रहा है आप ऐसा कर सकते हैं, तो वो लोगों ने क्या करा उस वीडियो को देखा ही नहीं है, वहां से पहले ही उस वीडियो से बाहर निकलकर गिव अवे के उसमें लग गए, यहाँ पर कमेंट कर दो, वहां पर जाके इंस्टा में ये कर लो वो कर लो ऐसे करके। तो वो क्या हुआ कि अभी YouTube का जो सिस्टम है ना उसको क्या होता है कि वो देखता है कि मॉनिटर करता है, मतलब अभी एक बंदा आया उसने वीडियो देखी 1 मिनट 2 मिनट देखी हट गया, इसी टाइप से जब ज्यादा ये चीज होती है तो यूट्यूब के सिस्टम को ये लगता है कि ये जो सी वीडियो है ये सही नहीं है इसलिए यूजर इसको देख नहीं रहे, तो वो उसे सर्कुलेट करना बंद कर देता है, सजेशंस देने उसके बंद कर देता है वीडियो के। तो अगर ऐसे में सजेशन ही नहीं जाएगा तो सब्सक्राइबर्स या लाइक का मतलब ही नहीं होता ना आने का। और सेकंड, एक इंस्टाग्राम पे भी बोला गया था कि फॉलो करने के लिए, तो वहां पर भी जो गिव अवे के मैसेजेस मुझे आए हैं जो यूट्यूब पर वो ज्यादा है, और अगर वहां पर फॉलोवर्स की बात करो तो फॉलोवर्स कोई खास मुझे नहीं दिखे कि बड़े हैं, चलो वो एक अलग चीज है, बट मेन जो सा था वो गिव अवे में यही था कि लाइक्स के ऊपर। तो अभी मेरी कल भी बात हुई है कंपनी से, तो अभी हमने क्या करा था, काफी रिक्वेस्ट मतलब कि कह सकते हो आप करी थी मैंने उनसे कि इसको और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, तो अभी जो है वो 15 दिन का टाइम और ले लिया गया, क्योंकि मैं आपको फैक्ट बताऊं ना तो मैं खुद चाहता हूं कि ये जो गिव अवे है ना ये हो, मतलब मैं खुद देना चाहता हूँ ये चीजें आप लोगों को यार, आप में से जो भी जीतता है, बट इस तरीके से अगर चलेगा तो फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कंपनी तो देखो जो टारगेट दे रही है वो पूरा होता है तभी वो गिव अवे करते हैं। तो अभी 15 डेज का और है, तो आरो कि यहाँ से ज्यादा शेयर करो वीडियोस को, और एटलीस्ट आपने अगर वो वीडियो देख भी लिया ना तो दोबारा से उसको पूरा देखो बिना स्किप किए देखो उसको, जिससे कि व्यू टाइम बढ़ेगा तो ज्यादा सर्कुलेट होगा वीदियो। तो इस टाइप से अभी रिक्वेस्ट में 15 दिन और बढ़ा दिए हैं, तो उसके बाद में देखते हैं फिर, अभी अगर आ जाता है उसमें भी गिव अवे में तो जाहिर सी बात है वो होगा ही होगा, और मैं खुद चाहता हूं कि यार हो। काफी कमेंट्स आ गए इस बीच में, कमलेश जी थैंक्स फॉर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, थैंक यू सर, लव यू टू, देव जी, अमित भाई, व्हाट अबाउट आफ्टर वारंटी पीरियड इन डन एंड आई मीन टू से रिपेयर हो जाता है? जी सर, देव जी, हो जाता है रिपेयर, आर्यन राठी, हाँ 500, हाँ 200 समथिंग है, हाँ वही है ना 200 समथिंग है ना, तो उसमें यार कैसे गिव अवे कर देंगे? गिव अवे देखो जाहिर सी बात है वो कोई फ्री में तो कोई भी कुछ नहीं देता किसी को, हर एक का एक कोई ना कोई मोटिव होता है, तो मेरा मोटिव ये था कि सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे चैनल पे, ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, तो मेरे को ये लालच है, कंपनी वाले जो हैं उनको भी यही है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा प्रोडक्ट के बारे में पहुँचेगा उस वीडियो के थ्रू, तो वो इसलिए गिव अवे करते हैं। और हालांकि इस गिव अवे में मेरा नुकसान है, क्योंकि जो सब ऑफर मुझे कंपनी ने देना था एज अ गिफ्ट कह लीजिए या एज अ मेरी रिव्यू करने की जो फीस है वो कह लीजिए, उसको भी मैंने गिव अवे के अंदर डाल दिया था। उन्होंने एक सब ऑफर बोला था मुझे गिव अवे के लिए, तो मैंने जो दूसरा सब ऑफर मुझे मिल रहा था वो भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर दी, मैं कहा मुझे नहीं चाहिए, तो आप एक काम करिए आप उसको भी गिव अवे में मैं डाल दूंगा, एक आप कर लीजिए एक मैं कर लेता हूँ, इस तरीके से उनसे बात हुई थी। तो अभी अगर वो गिव अवे नहीं होता ना तो वो जो सब ऊपर है वो मुझे नहीं मिलेगा, मतलब मेरा तो ना यहाँ से काम हुआ और ना वहाँ से काम हुआ, तो एटलीस्ट जो मेरे अप्रोक्सीमेटली अंदाजा भी लगाते हैं तो कोई 40-45 हज़ार रुपये का मेरा सीधा सीधा नुकसान हो गया इस वीडियो के अंदर। तो यही है कि अब 15 दिन और बढ़ा दिए गए हैं, तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करो, वीडियो को पूरा देखो दोबारा एक बार में, जिससे कि स्किप ना करो ये सब। अरे जी हाँ, वो देखता है कि वीडियो कितना शो है कितनी टाइम देखेगा, वही चक्कर है ना, वो बिल्कुल ही वो तो बिल्कुल उसमें एवरेज टाइम जो सा वीडियो पे आ रहा था वो आ रहा था 2 मिनट के आसपास का,
मतलब 2 मिनट से ज्यादा अगर आप नहीं देख रहे तो कैसे होगा, सर्कुलेटिंग नहीं होगी। अब मैं तो यार चाहता हूँ देना, मगर अब आप लोग नहीं चाहते लेना तो मैं क्या कर सकता हूँ। और जिससे हिसाब से मुझे मैसेजेस आए हैं ना, मेरे पास में कम से कम जो सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से कम मेरे पास में आप लगा लो 200 मैसेज आ चुके होंगे कम से कम मेरे पास में। मतलब कुछ यूट्यूब पे आए, उसी वीडियो के ऊपर आए हैं, कुछ जो से वो मेरे कम्युनिटी पेज जो से उस पर आए, कुछ फेसबुक पेज पर आए हैं, कुछ इंस्टाग्राम पर आए हैं। तो जितने कमेंट्स आए हैं कि हाँ हमने ये चीजें जो से आपने बोली है कर दी है हमने, बट उतना रिजल्ट मुझे दिखा भी नहीं है उसमें। मान लो 200 कमेंट अगर टोटल आए हैं तो फेसबुक के जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर 200 लाइक्स भी तो होने बढ़ने चाहिए थे, मगर नहीं आए। इंस्टाग्राम पर भी उस हिसाब से अगर आप सब कह रहे हैं कि हमने करा है तो उसमें भी जो 200 फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए थे बट नहीं है उस पर सेकेंड। और उसके बाद में जो क्या कहते हैं उसको, और क्या था, मतलब वो क्या बोलूं मैं उसमें, मेरे को खुद नहीं समझ लगी कुछ चीज की। अब यहाँ पर एक तो देखो मेरे सबवूफर का नुकसान हो गया, जो मेरी फीस थी रिव्यू की वो भी नहीं मिली मुझे, और सेकेंडली जो 5 ब्लूटूथ स्पीकर थे वो मैं अपनी तरफ से डाले थे मैंने कि थोड़ी छोटी आइटम जैसे है तो 5 लोग हम और रख के उनको एक एक स्पीकर दे देंगे, हालांकि बहुत महंगी वाले नहीं है वो बट फिर भी ठीक है, एक यूजेबल चीज़ है। तो वो जो उनसे हैं वो भी मैंने खुद परचेज किए थे, उनको 5 पीस मैंने परचेज किए थे कि आप लोगों को देने के लिए, जिसका भी मतलब नाम वो भी पैसे जो उनसे वो भी लग गए, और जो सोचा था ऐसा हुआ नहीं। जैसा कि लोग कहते हैं गिव अवे पे बूस्ट मिलता है या कुछ मिलता है, पता नहीं मेरी किस्मत शायद खराब है। गुरुजी अगर मूवीज में एटमॉस इफेक्ट देता है ना, देता ही ना हो तो क्या एटमॉस एवीआर से मूवी में साउंड कैसे देगा? सर अगर उसमें इफेक्ट नहीं होगा आपका एटमॉस का, तो जो भी फॉर्मेट दिया होगा उसमें जो भी होगा 5.1 चैनल के अंदर होगा यहाँ, तो उसमें आपको आउटपुट मिलेगी उसी हिसाब से। जाइन अली 500 स्क्वायर फीट एकूस्टिक ट्रीटमेंट का कॉस्ट क्या है? सर कॉस्टिंग जो है वो अंदाज़ा आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर पड़ती है कुछ 600 रुपीज़ पर मीटर के पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और अगर इससे कम में जाओगे तो तकरीबन आपको 350-400 रुपये स्क्वायर फीट में भी मिल जाएगा। जितेंद्र जी, डू वी रियली नीड आर टी वी विद EARC पोर्ट एक्सपीरियंस दैट टू डॉल्बी एटमॉस प्रोवाइडर एट द व्हाट इज यूज? नहीं सर जितेंद्र जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको टीवी चाहिए उसके लिए, क्योंकि EARC एनेबल टीवी अगर आप परचेज करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। ऐसा ही कई लोगों ने किया है, और चश्मे वाले भैया का दिमाग खराब है कि लोगों का पता नहीं क्यों पैसा खराब कराते हैं वो। इसका सबसे ज़्यादा सही तरीका ये है कि देखो आप एक स्मार्ट टीवी ले रहे हो और EARC वाला टीवी ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो? कि आप उसमें नेटफ्लिक्स चलाओगे या फिर उसमें जो भी आपने चलाया। तो भाइयों मेरे हो, टीवी 1-1 लाख का लेने से अच्छा है जो टीवी आपके पास है ऑलरेडी उस पर आप क्यों पैसा मतलब खराब करना है उसके और दूसरा लेने का। आप सीधा एक फायर स्टिक खरीदो Amazon की और उसको डायरेक्टली अपने AVR पर लगा दो तो ऐसा सब कुछ मिलेगा उसमें, मॉस का टनाटन फीचर है, 350-4000 रुपए की वो मिलेगी आपको, और टीवी लोगे तो कम से कम 20-25 हजार रुपए फालतू लगेंगे आपके। ये हमारे चश्मे वाले भैया ने कि नहीं जी उसके बिना काम हो ही नहीं सकता। देव जी सबवूफर तो तुम्हें तो दे दूं, दूं कहां से, मुझे ही नहीं मिला तो आपको कहां से दूं? त्रिवेदी जी छोटे अमित भाई क्यूट लग रहे हैं, थैंक यू भाई। नो बोल आया ना बोल के गया है, सब्सक्राइब कर शेयर लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बोल के गया अभी। गजर जी नमस्कार सर जी, मुझे पार्सल मिल गया है, मिल गया तो टुडे, ओके थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन।
यहाँ उनको उन्होंने बस डायरेक्टर फॉलो और एंट्री करना चालू किया। हाँ वही ना, वही मुसीबत तो वही होगी ना। अब या तो वो चीज मैं एक अलग वीडियो में बोलता या उसको मैं लास्ट में बोलता तो ज्यादा अच्छा रहता। वो मैंने एक्चुअली पहले ही बोल दिया फ्रंट, जब वीडियो को स्टार्ट करते ही, तो मेरी उस तो आप जिन्होंने भी मतलब देखी है वो वीडियो, जो भी पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया, तो वो वीडियो को मैं तो ये कहूंगा कि एक बार अगर आप फिर से पूरा देखते हो, अगर उसको ज्यादा चांसेस हैं जीव विवेक को पुराने में 15 दिन अभी तो उसका फायदा उठाया जाए। क्या अगर आपने किसी जो जो आप देख रहे हो उन्होंने अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। नहीं तो कट्टी हो जाऊंगा। हम्म, मेरी बच्ची हो, मेरी बच्ची क्या कर रहा है तू? तू काम नहीं, गेम खेलने के सिवा उस पे पैर ना रख दियो उसके ऊपर। सर किस्मत खराब नहीं है, ऐसा कुछ मत सोचिए। अब ये तो यार बारे जी क्या पता भाई, जल्दी ही 20K होंगे। हाँ हो तो रहे हैं मगर काफी स्लो चल रहा है काम भी उसमें है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि यार क्या है मेरी जो कंसेप्ट है, मतलब कॉन्टिन्यूसली तो वीडियोस मैं भी डाल नहीं पाता। और सबसे ज्यादा जरूरी जो सा वो यही है कि वीडियो जो सी वो डलती रहनी चाहिए, तो इस वजह से भी जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। साथ में कंटेंट ऐसा है कि इतना सर्चेबल नहीं है कंटेंट ये वाला, तो उसकी वजह से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं आते। और मतलब काफी चीजें ऐसी हो जाती हैं। अब मैं वो चीजों का रिव्यू नहीं करना चाहता जो चीजें मुझे खुद को नहीं अच्छी लगती। ये तो चलो मेरे पास में काम है, मेरा अलग से काम जो मैं करता हूँ उसमें मेरी ठीक ठाक है वो काम, मेरे को खर्चा पानी मेरा जो वो निकलता रहता है, इसलिए मैं यहाँ पर भी टाइम लगा देता हूँ थोड़ा बहुत अपना तो। बट फिर भी अभी क्या है, और यहाँ तक तो मैंने जो ऐसे मेरे माइंड के अंदर था ना वो मेरे क्या था, मैं आपको बताता हूँ। अभी बात चली रही है कि यूट्यूब की जो सी अर्निंग अगर आती है मेरे पास में ठीक ठाक सी जो सी मतलब आती है, तो उसमें से कुछ परसेंटेज जो सी है वो मैं निकाल कर, कि जो मेरे खर्चा भी होता है इसके ऊपर उसको निकाल कर, बाकी जो है ना वो मैं प्रोडक्ट्स खरीदूँ आप लोगों के सजेशन पर ही, और उनका साथ की साथ का गिव अवे करता रहूँ, या इस चैनल पर या दूसरा वाला जो चैनल है ऑडियो अंकल जी, या उन पे करते रहे। ऑडियो अंकल जो सा चैनल है उसके ऊपर हमने यही कंसेप्ट रखा हुआ है कि उसमें जितनी भी वीडियोस डलेंगी और जिस पीस की वीडियो मतलब जो भी जिस चीज की वो वीडियो डल रही है, वो पर्टिकुलर पीस जो सा है उसका गिव अवे होगा हर एक वीडियो का। मतलब 500 लाइक आने चाहिए वीडियो के ऊपर कभी भी आए, ऐसा नहीं कि उसका टारगेट नहीं रखा कुछ भी उसमें, कभी भी जब जैसे ही 500 लाइक अगर उस वीडियो पे आ जाते किसी भी वीडियो पे उस चैनल पर, तो उस वीडियो में दिखाई गई जो चीज होगी वो पर्टिकुलर जो पीस होगा वो गिव अवे में डल जाएगा किसी भी एक लकी विनर को 500 लाइक होते साथ। और कमेंट जरूरी होता है करना क्योंकि वो कमेंट में से ही हमें पिक करना होता है उसको। राज जी, एनी 13.2 चैनल ऑडियो प्रोसेसर इन इंडिया विच सपोर्ट डॉल्बी एटमॉस एंड आर ओ 3D? बिल्कुल सर, राज जी बिल्कुल अवेलेबल है। हाँ जी तो बिल्कुल अवेलेबल है सर आपको बिल्कुल। नेट भी मुझे लग रहा है ना स्लो हो रहा है नेट भी। गुरुजी THX सीरीज कहाँ गया? रेफरेंस सीरीज से कॉस्टली है क्या? प्राइसिंग डिफरेंट कितना हो? THX में हाँ थोड़ा सा तो फर्क रेट में आ ही जाता है, बट जेनवनली बताऊँ ना आपको तो ये THX सर्टिफाइड कर देते हैं। कहते हैं मुझे तो इसमें कोई वो लगा ही नहीं कभी भी यार कोई कि हाँ THX वाला है, बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब कोई बहुत मेजर डिफरेंस दे रहा है आवाज के अंदर आपको, जैसा मुझे तो कभी ऐसा फील हुआ नहीं है वैसे सही बताऊँ तो। विश्वजीत जी, आपके पास जो यूज आइटम है उनको भी आप डालते रहें, आपके पास काफ़ी अच्छे स्पीकर्स प्री एम्प पावर एम्प AVR सब बूफर्स हैं उनका, उनको भी चैनल पे अपडेट करें करते रहें, यूट्यूब साइट पे या OLX पर कहीं भी।
सर अभी करते हैं, पहले ओएलएक्स पर तो करते ही थे, बट बीच में बंद कर दिया था क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था उसे संभालने का, तो इस वजह से बंद किया हुआ था। बाकी चल रहा है वैसे तो ओएलएक्स पे, तो अभी शुरू कर देंगे दोबारा से। अभी स्टाफ की दिक्कत थोड़ी सी हो गई थी, स्टाफ जो पहले वाला था वो है नहीं अभी, तो उस चक्कर में सारा बर्डन आ गया था। तो अभी देखते हैं अगर कोई बंदा अच्छा सा मिल जाता है तो उसके बाद फिर बाकी का जो सा रोका हुआ है काम वो शुरू कर देंगे। राहुल जी इन हाउ मच कॉस्ट? 130 के आसपास से स्टार्ट हो जाता है रोहित जी। सोबिल जी व्हाट डू यू थिंक अबाउट पायनियर 076? सर देखो अभी लोगों ने इसका रिव्यू किया है जिसमें कि बताया हुआ है बहुत अच्छा सेट है ये, और खासकर हमारे चश्मे वाले भैया ने कि मैंने इसका डेमो लिया है। हालांकि इसका डेमो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, उन्होंने पता नहीं कहाँ से लिया है, कंपनी डायरेक्ट जाके ले आए होंगे शायद। और उसमें भाई साहब क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी पेन ड्राइव लेकर गया था उसमें वीडियो क्लिप्स डालकर, और मैंने वही पेन ड्राइव जो उसी AVR पर लगाकर इसका डेमो लिया था। तो उन चश्मे वाले भैया को थोड़ा सा, कोई भी आप लोग जानते हो कोई भी, तो ये बताओ कि AVR जो सा होता है उसके ऊपर USB जो सी है वो सिर्फ ऑडियो के लिए होती है, वीडियो के लिए नहीं होती है। वीडियो फॉर्मेट वो USB सपोर्ट नहीं करती है। अब उन्होंने पता नहीं मुझे अपनी पेन ड्राइव उसके AVR पर लगाकर कैसे चला ली, अब मुझे नहीं पता ये चीज़ के बारे में। तो आपके जो सवाल का जवाब यही है कि बहुत ज़्यादा अच्छा वो सेट नहीं है। अगर आप उसको डॉल्बी एटमॉस एनेबल है वो इस कारण ले रहे हो तो बिल्कुल मत लो उसे, क्योंकि मेन आवाज़ जो सी है वो हमें 5 चैनल जो से होते हैं ना वो देते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने एटमॉस में जाना है तो आपको अपने सराउंड स्पीकर्स को हटाना पड़ेगा और उसकी जगह पर आपके एटमॉस स्पीकर चलेंगे, जो कि सरासर बेवकूफी वाली बात है। कंपनी वालों ने ऐसा किया क्यों है मुझे तो इवन ये भी नहीं समझ रही, सच बताऊं तो आपको। आंसर थोड़ा टॉपिक चेंज करो, मतलब थोड़ा और टॉपिक पर भी वीडियो बनाओ, जैसे कि मोबाइल की अनबॉक्सिंग या छोटे प्रोडक्ट्स जैसे 1,000 2,000 के प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। आनंद जी मैं देखो, मैं ना अपने प्लेटफॉर्म से ना हटना नहीं चाहता किसी भी वजह से, मतलब अगर YouTube में अर्निंग नहीं हो रही इस वजह से, अगर मैं बाकी की चीज़ों की भी अनबॉक्सिंग जैसा आप कह रहे हो करना लगूँ 1,000 2,000 वाली चीज़ों की, तो वो जो है ना वो हो सकता है कि चैनल उसके उस वजह से ऐसी वीडियोस डालने से चैनल ग्रोथ जो है वो बढ़ जाए, अर्निंग शुरू हो जाए, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं रह सकता फिर उसमें। मैं सेटिस्फाइड किस चीज़ में हूँ, जिस जो अभी मैं कर रहा हूँ ना, कमाई नहीं हो रही कोई बात नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे कमाई मेरे को नहीं चाहिए। बस ये है कि एक सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, कमेंट्स आते हैं आप लोगों के या कुछ होता है ना, तो एक ना अच्छा लगता है कि हाँ कि हमारी भी, मतलब मैं जैसे है कि हाँ भी मेरी वैल्यू है, कोई थोड़ी सी ये चीज़ फील होती है ना कि हाँ लोग मुझे पसंद करते हैं। ये होता है जो भी कमेंट्स अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव कमेंट बहुत कम आते हैं, ना के बराबर होते हैं वो बिल्कुल ही, बट ज़्यादातर सारे अच्छे होते हैं कमेंट्स आप लोगों के, तो वो ज्यादा बेटर है। बट उसको बदल कर मैं अब उसको चेंज करूंगा तो जाहिर सी बात है देखो पैसे के चक्कर में चेंज करूंगा कि इसमें ऐसी चीजें डालने लग जाऊं मैं, तो मगर वो मेरे दिल को मगर तसल्ली नहीं मिलेगी फिर उसमें, तो वो ऐसा काम करने का फायदा ही नहीं ना फिर कुछ। साथ में फिर 1,000 2,000 वाले आइटम आप दिखा रहे हो अगर, तो उसकी क्वालिटी जो सी है वो ये वैसी होगी प्राइस के हिसाब से। अब अगर मैं वो वीडियो दिखा के आपको ये बोल रहा हूँ कि हाँ ये प्रोडक्ट जो सर बहुत अच्छा है, ये है वो है, तो वो झूठ है, ठीक है। अगर मैं ये बोल देता हूँ आपको कि नहीं ये बेकार है या ऐसा है या वैसा है, तो आप उसको परचेज ही नहीं करोगे। या फिर आपने किसी और यूट्यूबर का वीडियो देखा होगा, ऐसा मेरे साथ पहले काफी बार हुआ है कि मैंने जैसे कि अभी इन्होंने पूछा था पाइनियर का ही, तो उसका जो रिव्यू किया था उसमें मैंने उसमें काफी सारे जो कमियां थी ना वो बताई थी, तो मेरे पर बहुत से कमेंट ऐसे आए थे कि उन्होंने तो इसको बहुत अच्छा बोला है, तू पहले खुद यूज करके देख ले, तेरे को पता भी है ऑडिटर क्या होता है। इस टाइम स्टार्टिंग स्टार्टिंग की बात है, मतलब जब ज्यादा लोग नहीं थे मेरे साथ जुड़े हुए तब की बात है, तो इस वजह से भी मैं ऐसा करता ही नहीं हूँ कि लोग, मतलब अभी जो है ना देखो, अभी आप जितने भी बंदे मेरे से कनेक्टेड हो सब लोग समझदार बंदे हैं जो कि टाइम के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कि चेंजेस लाना चाहते हैं। बट दूसरे जो सी कंटेंट बना रहे हैं लोग जो भी बना रहे हैं उनके जो उनसे है ना वो क्या है कि वो आगे जाना ही नहीं चाहते, मतलब वो अब 4-5 हज़ार रुपये का एक चीज ले रहे हैं तो वो उसी में रहना चाहते हैं, उससे ऊपर जाना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, जिसके पास है वो भी नहीं जाना चाहता, तो
ऐसे बंदे से क्या फायदा अपना वीडियोस बनाने का या कुछ करने का उसका। सुबील जी फ्रॉम नेपाल, वेलकम है सर आपका। हेमंत जी कमेंट्स यार काफ़ी हो जाते हैं, मैं बीच में दूसरी बातें शुरू कर देता हूँ ना तो कमेंट्स जो है आपके इकट्ठे हो जाते हैं। सर मेरे पास टीवी सोनी X89J है, तो उसके लिए बेस्ट डॉल्बी एटमॉस साउंड बार क्या परचेज करें? यार फैक्ट भाई बताऊंगा ना अगर आपको हेमंत जी, तो यही है फैक्ट कि डॉल्बी एटमॉस साउंड बार लेना बिल्कुल ही बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला काम है, आपको उसमें कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। हमारे पास में बहुत से बंदे ऐसे आते हैं जो कि किसी का रिव्यू देखा है किसी ने, तो उस वजह से वो इस टाइप की जो सी साउंड बार है या कुछ है वो खरीद लेते हैं, बट उससे आपको जो इफेक्ट मिलता है वो बिल्कुल भी 0% वाला ही मिलता है उसमें, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आपने साउंड बार लगानी है तो आप नॉर्मल साउंड बार जो सी है वो लगाओ, पैसे खराब मत करो ज्यादा। और अगर आपको एक अच्छा इफेक्ट चाहिए तो आप वहां पर होम थिएटर ही लगाओ और अच्छी कंपनी का सेटअप लगाओ, अगर उसके साथ बजट भी आपका देखो होना चाहिए उसमें, तो वो जो है वो ज़्यादा बेटर है। बाकी आपकी खुद की मर्जी है कि आप क्या चाहते हैं, ये हम तो सिर्फ बता सकते हैं आप लोगों को बस। तो कहाँ चले गए हम? श्रीनिवास जी टेल मी आई वॉन्ट परचेज बजट प्रोजेक्ट विच वन इज बेस्ट फॉर होम थिएटर पर्पस। प्रोजेक्टर सर लेना चाहते हो अगर आप तो HD के अंदर आप ले रहे हो तो एप्सन का 750 ले सकते हो, बैंक्यू का 585 ले सकते हो, और अगर 4K के अंदर जा रहे हो आप तो बैंक्यू का 2700 ले सकते हो, एंड इमोटिवा का USD 5.1 ले सकते हो, 5.5 ले सकते हो, इस टाइप से ले सकते हो आपके बजट के हिसाब से जैसा हो। रोहित जी इस 3D वर्थ इन टू, या 3D में देखो एक सिर्फ शौक पूरा करने वाली चीज़ है, मतलब आप उसको ना बहुत ज़्यादा देर तक नहीं झेल सकते 3D को। अभी आप बैठोगे घर पर लगा रखे आपने 3D तो थोड़ी देर बाद आपका सर दर्द होना शुरू हो जाएगा उससे, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना देखो थिएटर के अंदर जब हम एक 3D मूवी देखते हैं ना तो उसका जो इफेक्ट आ रहा होता है वो अच्छा लगता है। क्यों लगता है उसका रीज़न क्या होता है कि वहाँ पर ना अंधेरा हो जाता है तो हमारे को सिर्फ स्क्रीन दिखती है, बाकी का कुछ नहीं नज़र आ रहा होता। बट यही जब हम घर पर करते हैं ना तो TV तो हमारा सामने लगा हुआ है इतनी सी जगह कवर कर रहा है, बट हमारी आंखें जो होती है वो पूरा कमरा देख रही होती है, वो वैसे में वो बेकार हो जाता है काम है। सिर्फ ये है कि हाँ एक एक्सपीरियंस के लिए या कोई घर पे आ रहा है तो जैसे होता है ना डैल मारने वाली बात होती है कि वो उस चीज के लिए अगर आप चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। अधिकारी जी हेलो गुरुजी, बिग फैन इन फ्यूचर, आई विल डेफिनेटली बिल्ड अ होम थिएटर फ्रॉम यू, थैंक यू वेरी मच भाई। श्रीनिवास जी जर्मन 607 स्पीकर इज ओके प्लीज टेल मी। सर जी मैंने नाम ही नहीं सुना इसका कभी पहले, ये मेरे ख्याल से आपने ना तो ये टागा हारमनी आपने मेरे ख्याल से लिखा है 607। हाँ अगर बजट आपका नहीं है ज़्यादा तो आप बिल्कुल ले सकते हो। विश्वजीत जी मैं 3D 2012 में से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर आप रियल 3D डिवाइस लेते हैं तो एक्टिव या पैसिव दोनों टेक्नोलॉजीज अलग हैं, अच्छी हैं, काफ़ी कंटेंट अवेलेबल हैं ब्रूडे DVD में ओके। मगर मेरा जो थॉट है वो अलग है विश्वजीत जी आपसे इस बारे में, मतलब वही एक एक्सपीरियंस लेना है तो अच्छा है, उससे ज्यादा नहीं होगा। त्रिवेदी जी इंडिया में आपके लेवल पे कोई नहीं पहुंच पाएगा गारंटी, यहाँ लाइन में इंडिया में ये लाइन में इंडिया में इतनी वीडियोस किसी ने नहीं बनाया एंड होगा तो कंटेंट नहीं होगा आप जैसा। थैंक यू त्रिवेदी जी,
यार बनाया तो इसी चक्कर में था चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हाई एंड ऑडियो के बारे में भी पता लग सके, क्योंकि लोगों को जब तक पता नहीं होगा तो वो लेंगे क्या, ये भी चक्कर पड़ता है। हेमंत जी होम थिएटर और टावर स्पीकर्स फॉर टीवी अंडर 15,000, ये हेमंत जी हमारे पास में इसमें कोई जानकारी नहीं होगी हमारे पास में, जो चीज़ आप मांग रहे हो तो 15,000 में अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो आप हमारे दूसरे वाले चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ऑडियो अंकल के नाम से चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा उसका किसी और वीडियो में, इसमें पता नहीं डला है कि नहीं डला, तो आप सर्च भी कर सकते हैं ऑडियो अंकल, तो उसके अंदर आपको जो है वो बजट स्पीकर्स जो है 15,000 के आसपास वो वाले स्पीकर्स जो है देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर आपको। राज चौहान जी हैव यू ट्राइड एटमॉस इन टेडल हाईफाई एप्पल म्यूजिक डू वी गेट ऑल चैनल वर्किंग इन एवरी रिसीवर्स देन यूजिंग टाइटल एप्पल म्यूजिक। सर म्यूजिक के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो म्यूजिक टू चैनल का आउटपुट देता है आपको, आप चाहे टाइटल यूज़ कर रहे हो, चाहे आप एप्पल म्यूजिक यूज़ कर रहे हो, या किसी कोई भी स्ट्रीमिंग चला रहे हो, आप कुछ भी स्ट्रीम कर रहे हो ऑडियो के अंदर अगर, तो वो जो सा है वो आपका स्टीरियो साउंड आपको प्रोवाइड करता है। एटमॉस सिर्फ आपको मिलता है मूवीज के अंदर, वीडियो जो है वीडियो में एटमॉस का फीचर आपको मिलेगा, म्यूजिक में नहीं होता वो। कितने साल का वारंटी मिलता है? कितने साल का वारंटी मिलता है सर जी, क्या पूछा था आपने? हेलो गुरु जी बिग फैन, यही था ना आपका, तो डेफिनेटली बिल्ड ऑन वारंटी। सर सब पे अलग अलग है, आप क्या ले रहे हो, एवीएस वगैरह हैं जो उनपे एवीएस पे एक साल की वारंटी मिलती है, स्पीकर्स के ऊपर पॉक ऑडियो है जैसे कि वो 3 साल वारंटी देता है उस पर एम्पलीफायर पे, और 5 साल की वारंटी देता है ड्राइवर्स के ऊपर। इलेक है, इलेक भी 3 साल की वारंटी देता है, क्यू इकोस्टिक भी आपको 3 साल की वारंटी देता है, तो अलग अलग है सभी का। ओके तो आगे चलते हैं जी। रोहित जी टीवी और प्रोजेक्टर, सर जी इससे पहले एक वीडियो डाली थी हमने क्वेश्चन आंसर्स की, आप वो वाली वीडियो एक बार देखो, उसमें आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा, जो आपका सवाल है उसके बारे में भी आपको डिटेल वहाँ पर पता लग जाएगी, क्योंकि यहाँ बताऊँगा तो वो इतना लंबा नहीं बता पाऊँगा मैं आपको, तो उसमें मैंने बताया है कि प्रोजेक्टर या टीवी में से कौन सी चीज़ सही है या क्या यूज़ है आपका उस हिसाब से, तो वो वीडियो आप प्लीज़ एक बार देखें और बिना स्किप किए देखना यार, मत किया करो स्किप, पूरी देख लिया करो, निकाल लिया करो 10 मिनट भाई के लिए छोटे के लिए अपने। रतन जी नमो नमः, अमित जी नमो नमः, जय शिव शंकर, जय भोले, भक्त रे चमकीला खोले। अच्छा सर, अगर आप एप्पल म्यूजिक में मूवीज म्यूजिक सुनते हो तो आपको स्पाइटियल ऑडियो जिसको एटमॉस भी बोलते हैं वो चलता है? सर ऑडियो जो सा है, ऑडियो हमेशा टू चैनल में ही बनाया जाता है, उसकी जो डिकोडिंग होती है वो टू चैनल में ही की जाती है, आपका एवीआर उसे सराउंड साउंड में कन्वर्ट कर सकता है, बट एक्चुअल जो इफेक्ट होते हैं वो आपको मूवीज में ही मिलते हैं, म्यूजिक में नहीं मिलते हैं।
अटक गया यार, चला गया। त्रिवेदी जी, गुरु जी सिनेमा में जो स्पीकर्स एंड एवीआर यूज़ होते हैं उनका आपको नॉलेज है तो एक वीडियो बना दीजिए कि कैसे बिग सिनेमा में सब स्पीकर्स का कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है सर जी, बिल्कुल बिल्कुल बता दूंगा मैं आपको ये चीज़, आपको बताऊंगा क्या, आपको दिखाऊंगा बहुत जल्दी किसी थिएटर का जब इंस्टॉलेशन का काम आएगा मेरे पास में, क्योंकि हम प्रॉपर जो पीवीआर वगैरह होते हैं वहाँ पर भी हमारा सेटअप लगते हैं, वहाँ पर भी हम काम करते हैं। जो सामान होता है वो तो कंपनी खुद भेजती है, उसको इंस्टॉल करना है, उसकी कैलिब्रेशन करनी है, प्लेसमेंट है, ये सब काम जो होते हैं हमारे पास में आते हैं। पीवीआर हो गया और भी है, वेव सिनेमा है, उनका भी आता है। तो मैं एक बार जब भी ये आएगा काम ना तो एक प्रॉपर वीडियो आपको बनाऊंगा वहीं की और वो सारा दिखाऊंगा आपको कि किस टाइप से स्पीकर्स लगे हुए हैं यहाँ पर और क्या यूज़ कर रहे हैं, ये जो भी होगा। तो जैसे ही काम अगर ये वाला आता है दोबारा तो मैं डेफिनेटली आप एक वीडियो बनाऊंगा उस पर। सर बाहर के यूट्यूबर्स बोलते हैं 3 to 5 ईयर की वारंटी मिलता है एवीआरस पे, सर एवीआर के ऊपर वारंटी नहीं मिलती, 3 से 5 साल की स्पीकर्स के ऊपर मिलती है। कोई भी ब्रांड आप ले लो वो 1 साल की वारंटी ही देता है एवीआर के ऊपर। अभी बाहर मिलती हो तो मुझे नहीं पता, बाकी इंडिया में नहीं मिलती इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। राज चौहान जी, नो सर, रिसेंटली एप्पल हैज अनाउंस्ड दैट दे डॉल्बी एटमॉस इन सम सपोर्टेड हार्डवेयर, पीपल से दैट म्यूजिक इज एटमॉस यूज आउट ऑफ द। सर ये जो आपका एप्पल दे रहा है इसके लिए सिर्फ आपको हेडफोन चाहिए, आपके जो हेडफोन्स हैं उनमें आपको ये वाला इफेक्ट मिलता है, आपको होम थिएटर्स में ये इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको। उसमें जो मतलब म्यूजिक के अंदर एटमॉस का मुझे तो यही नहीं समझ आता करना क्या है यार एटमॉस को, एटमॉस का इफेक्ट है कि ऊपर से आने वाली आवाज हमें सुनाई दे, अब म्यूजिक के अंदर उसको क्या करना है आपने यार, आप कोई भी गाना सुन रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, ऊपर से कोई बंदे गिर रहे हैं नीचे से उनसे आवाज आएगी। म्यूजिक तो 2 चैनल पे सबसे जबरदस्त असली है ही वही 2 चैनल। You should have a try zone. सर जी ये ट्राई वगैरह वाली चीज़ें जो होती हैं ये तो मैं आपके कहने से पहले ही सब कुछ कर चुका होता हूँ। मेरे पास में जो हेडफोन्स हैं सोनी के हेडफोन हैं ये जो उनसे सराउंड साउंड को सपोर्ट करते हैं, और जो मेरा लैपटॉप है इसके अंदर भी हमें डॉल्बी का फीचर दिया गया है एटमॉस का, आप विंडोज़ के साथ में ही दिया जा रहा है आजकल अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, बट उसे परचेज करना पड़ता है अलग से वो लेने के लिए अगर आपने हेडफोन यूज करना है तो, हेडफोन के अंदर ये इफेक्ट जो उनसे आपको मिलेंगे। अगर एप्पल पे आप कोई मूवी वगैरह देखते हो कुछ करते हो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा वो, तो उसमें तो आएगा ही। म्यूजिक की बात हो रही है, 2 चैनल म्यूजिक की बात हो रही है बस यहाँ पर। विश्वजीत जी, हमें कोई 3D एक्टिव टेक्नोलॉजी सिर के दर्द करती है ज़्यादा देर यूज़ करने पे, जबकि पैसिव आप कितनी भी देर लगा कर सोनी सैमसंग एक्टिव यूज़ करते हैं, LG पैसिव करता है। ओके ओके सर, कमलेश जी, सर ओल्क ऑडियो सिस्टम गिव अवे में इन्वेस्टमेंट क्या है? सर वीडियो बना रखी है उसमें मैंने पूरी गिव अवे के ऊपर में, तो आप वो वाली वीडियो देख लो उसमें सारी डिटेल आपको पता लग जाएगी। सुरेश जी, जी सुरेश, कॉस्ट सर क्या कॉस्ट सर जी? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई, अभी कहाँ हो गई गुड मॉर्निंग यार, तुम कहीं बाहर रहते हो तो वो अलग बात है। यस सर, आई वांट टू सी बिहाइंड द सीन ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ स्पीकर्स इन थिएटर। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, जब भी मेरा कोई भी काम अगर आता है वहाँ का तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी एक्चुअली, वहाँ पर ऐसे नहीं बना सकते, तो मिल जाएगी बट मेरी अच्छी जान उनसे मतलब सही है वो मैनेजर वगैरह उनसे सही पड़ती है।
सर 12-13-11 साइज ड्रोन के लिए ड्यूल सबवूफर लगाना चाहता हूँ। AVR है RXV6A। ओके, स्पीकर्स हैं S50, S35, OWM3। कुछ अच्छा सजेशन बताएं। सब वूफर्स में आप डबल लगाना चाहते हो तो पॉल का, अगर आपने बाकी का लगा रखा है तो पॉक ऑडियो के सब वूफर आप लगा सकते हो। यहाँ पर दो चार मॉडल जो उनसे हैं वो सभी मिल सकते हैं उसमें आपको। या फिर अगर तो बहुत अच्छा हाई एंड में जाना चाहते हो तो फिर SVS यूज़ करो। ऋषि जी, सैमसंग Q950 का साउंड एक्सपीरियंस क्या है? क्या अगर हाँ, अगर क्या अगर हाँ तो कैसे लगा? सुना है अभी तक का सबसे अच्छा साउंड बार बेस्ड सिस्टम है। सर जी मैंने नहीं सुना इसको, बट अभी रिसेंटली एक हमारे क्लाइंट हैं वो गुड़गांव नहीं सॉरी गाजियाबाद के अंदर, उन्होंने यही वाली साउंड बार खरीदी थी, नई ली थी उन्होंने अमेजोन से। उसको 4-5 दिन उन्होंने यूज किया था और उसके बाद में उसे अमेजोन को रिफंड कर दिया था क्योंकि उनको उसमें कोई क्वालिटी नहीं मिली थी। उसके बाद में उन्होंने हमसे सेटअप लगाया था, यहाँ से यहाँ जो हम लगाते हैं वो लगवाया था, और उससे 100% वो बंदे सेटिस्फाइड थे। तो मुझे नहीं पता ये साउंड बार कैसा साउंड करती है, बट जो मेरे पास में रिपोर्ट है वो ये है। आयुष जी, कोई अच्छा सा डॉल्बी एटमोस थिएटर बताइए जो घर के सुपर हो। आयुष जी, सर घर के लिए डॉल्बी दो अच्छा सा डॉल्बी होम थिएटर, हाँ तो दो अच्छा सा होम थिएटर सर लगाना है। डेनन का AVR लगा लो, स्पीकर्स में आप पोल कॉर्डियो लगा सकते हो, इलेक लगा सकते हो, मिशन लगा सकते हो, क्यू एकॉस्टिक लगा सकते हो, SVS लगा सकते हो, बहुत लंबी चौड़ी है। आयुष जी 12 इंच सबके साथ, अब सब ऊपर सर जी बजट कितना है आपका वो बता दो एक बार, फिर मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ सजेशन। जॉबी जी आई है 25 यामा A2A AVR एंड टागा मैंने स्पीकर पैकेज। ओके, आई नीड अ सजेशन फॉर अ सब वूफर। सर सब वूफर में आप किस बजट में जाना चाहते हो तो उसमें डिपेंड करता है ये। मंद्रू जी अमित भाई गुड नाइट, सोने जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ भाई, मैं भी, कितना टाइम हो गया? 11:07 हो चुके हैं, तो चलते हैं यार। अभी तो सारे लोगों ने जाना होगा, मेरे चक्कर में तुम कहाँ बैठे रहोगे? नहीं तो आयुष जी का 30,000 का, और इन्हें पूछा गया था वैसे नहीं सर, डॉल्बी ट्रू डॉल्बी के अंदर में इस बजट में कुछ नहीं मिलता। हेलो ऑडियो गुरु जी, मेरा बजट 7 लाख का है, ऑडियो एंड वीडियो, और मुझे साउंड प्रूफिंग करवानी है। सर साउंड प्रूफिंग नहीं होता, वो एकोस्टिक ट्रीटमेंट होता है। साउंड प्रूफिंग जो है वो अलग चीज़ होती है। तो आप इंस्टाग्राम पर सर मैसेज भेज दीजिएगा, वहाँ पर आपको कोटेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी आपके बजट के हिसाब से। डिटेल डाल दीजिएगा वहाँ पर, क्या चाहिए, रूम साइज क्या है, ये सब चीज़ें जो सी हैं वो वहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। रोहित जी गुड नाइट, शुरुआत जी अराउंड 30K हो चुका था सर, 30K के अंदर सब ऑफर लेना है, आपने मेरे ख्याल से यही पूछा था ना। हाँ तो सर 30K के अंदर आप वही इलेक का ले सकते हो, 10-20 ले सकते हो 25,000 का, और थोड़ा सा पैसे अगर और डालते हो आप तो पोल कॉडियो का ले सकते हो, वहाँ पर ये मॉडल नंबर है उसका, STS-10 ले सकते हो। कमलेश जी गुड नाइट, प्लीज रिवाइंड करें साउंड प्रूफिंग और एकूस्टिक सोल्यूशन में फर्क क्या होता है। सर एकूस्टिक और साउंड प्रूफिंग में फर्क ये होता है कि साउंड प्रूफिंग जोन सी है वो कमरे के अंदर से आवाज बाहर ना जाए इसलिए की जाती है। एकूस्टिक ट्रीटमेंट जो सा होता है वो होता है कि अंदर जो आप चीज प्ले कर रहे हो उसकी जो सी आवाज है उसको और ज्यादा क्लियर कर दिया जाए, रिफाइन किया जाए, उसको जो ड्रॉपेज मिल रही है उसको वो खत्म करी जाए, या फिर कुछ एक्सेस में फ्रिक्वेंसीज अगर मिल रही हैं आपके रूम के हिसाब से उनको कैंसिल किया जाए। कहीं कहीं जगह पर डिफ्यूजर यूज होते हैं, कई कई जगह पर एब्जॉर्बर लगते हैं, कई जगह पर फ्लैट कॉम लगता है, तो अलग अलग आता है। साउंड प्रूफिंग जो सा है वो एक अलग कंसेप्ट है, और ओरिजिनल साउंड प्रूफिंग जो सी है ना वो इंडिया में हो भी नहीं सकती, क्योंकि साउंड प्रूफिंग जब अगर करानी है तो जिस टाइम हमारा घर बन रहा होता है, जिस टाइम दीवारें खड़ी हो रही होती हैं, उस टाइम जो होता है वो टाइम होता है साउंड प्रूफिंग करने का। एक
बने हुए कमरे में साउंड प्रूफिंग नहीं होती है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको हजारों वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी इंडिया के अंदर, जिसमें लिखा हुआ यही होगा कि साउंड प्रूफिंग है। उन्होंने वो फॉर्म सी चिपका रखी होगी पूरी, वो काला कर दिया होगा पूरा, वो ट्रे एक्शन टाइप जो एकूस्टिक फॉर्म बोलते हैं जिसको, वो लगा रखी होगी और हर एक में ये लिखा होता है साउंड प्रूफिंग साउंड प्रूफिंग साउंड प्रूफिंग, बट वो साउंड प्रूफिंग नहीं होती है। सर SVS में 10 इंचीज वाला जो सा था उसको 12 इंची कर दिया गया है, वो अगर आप लेते हो तो मेरे ख्याल से उसका MRP है 90,000 रुपीज। और इलेक का मॉडल नंबर जो है वो है आपका 1020 AJ है, AJ 1020। सोनी का जो ST9 वाला सिस्टम आया है अब वो इंडिया में अनाउंस भी नहीं हुआ, बट वो Samsung Tech ने उस वीडियो भी बना दिया है। हाँ सर वो मैंने देखा था, मैं कहा यार ये तो लॉन्च हुआ नहीं है भाई, तूने पहले वीडियो पर डाल दिया इसकी, मतलब पता नहीं क्या सिस्टम है लोगों के यार, मतलब वो चीज अभी आई है नहीं है, मतलब यही तो मैं कहता हूँ ना कि इस टाइप से रिव्यू कर लोग करते हैं कि मतलब उन्हें पता तो है ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, अभी ना देखा कभी ना सुना है उसे कभी, चलो रिव्यू उठा के डाल दो बस उसका। मैंने इसीलिए उसको भी कमेंट किया था मैंने ये चीज, मैं कहा भाई पहले लॉन्च हो लेने दे, तब तब इसको देख तो ले पहले वीडियो डालने से पहले। पापा जी मां मुझे कार की चाबी मांग रहे हैं, वही पड़ी है वो टीवी के उधर। कंसेंट कॉलिंग के लिए एटमॉस स्पीकर्स बताएं प्लीज, सीलिंग के लिए सॉरी। सर सीलिंग के लिए पे तो देखो पहले तो OWM3 आ जाते थे तो वो लग जाया करते थे, बड़े अच्छे स्पीकर चलते थे वो वाले, बट अभी वो आ नहीं रहे हैं तो अभी मैंने किसी और को भी देने हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि जो सैटेलाइट स्पीकर्स हमारे होते हैं उन्हीं में मैं सर्च करके देख रहा हूँ अभी कि उनमें से कौन से स्पीकर्स को हम ऊपर छत पे लगा सकते हैं जो कि प्रॉपर तरीके से काम करे, तो थोड़ा सा समय लगेगा मुझे उस चीज़ को क्लियर करने में। ओम ओम कुमार जो AVR वर्सेस डाउनलोडेड AVXP एक्सप्लेन, तो AVR वर्सेस डाउनलोड AVR, सर ये क्या चीज पूछी आपने, क्लियर नहीं हो रहा कुछ भी। विश्वजीत जी होम थिएटर पे गाने सुनते हुए जब लगे कि साउंड में मजा नहीं आ रहा तो आप दिन भर सबसे सस्ते एयरफोन्स लगा के सुन लीजिए, फिर जब आप होम थिएटर सुनेंगे तो कसम से। तो यार ये हिंदी में जो आता है ना मेरे, पता नहीं क्यों इसमें कोई फॉन्ट फोन का पंगा है क्या है मेरे लैपटॉप में, वो उसको पढ़ना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। कसम से नहीं जैसा मजा आएगा आज ट्राई किया। नहीं ये बात तो ठीक कह रहे हो आप वैसे, ये थैंक यू सर, ओके वेलकम सर। गिव अवे कब होगा सर जी? गिव अवे की डिटेल पूरी बता चुका हूँ मैं अभी पहले कि क्यों होगा और कैसे होगा, तो आपको थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाना पड़ेगा सुनने के लिए। मनीष जी हाय, ओके नहीं सर ये बहुत ज्वेलरी स्पीकर्स, I just have speakers, is it purchased 12 years back, Boss Lifestyle V35 and only speakers are with me. Sir, इन speakers को आप AVR पर use कर सकते हो, directly आपके channels पे लग जाएगा ये speakers जो उनसे हैं, और AVR की detail या pricing की detail अगर आपको चाहिए होगी तो उसके लिए आप Instagram पर जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप बात कर सकते हैं। तो चलो यार अभी इसको सेशन को आज का हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं, काफ़ी टाइम ज़्यादा भी हो गया, भूख भी लगने लगी है, तो आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगा मैं, और सबका धन्यवाद है जुड़ने के लिए कि आपने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाल लिया है, और रिक्वेस्ट भी है आपसे कि वीडियोस को शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है किसी ने तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। कुछ जानना चाहते हो तो पिछली वीडियो पुरानी वीडियोस में भी देख सकते हो जिसमें कि
शायद हो सकता है कि आपके सवालों के जवाब छुपे हुए हों। तो आज की सेशन को यार यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं और फिर मिलेंगे दोबारा से अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो जो सी है वो 4K प्रोजेक्टर्स के ऊपर आएगी, मतलब एडवांस में बता रहा हूँ आपको, तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। तो जाते जाते मैं सबसे ज़रूरी बस एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। फिर मिलता हूँ आपसे, अभी के लिए जय हिंद।